Good afternoon and a very warm welcome. और ये वार्मथ आई एम श्योर हम सबने जरूर फील की होगी, जहां हमारी वाइब्रेशन सारी इतनी कनेक्टेड हो जाए, वेयर ऑल ऑफ अस टुगेदर आर एक्चुअली फीलिंग सो हैप्पी एंड ब्लिसफुल. वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो वार्मथ, वो वैल्यूज सर्कुलेट करती हैं हमारे ऑरा में, हमारी वाइब्रेशंस में. सो एवरीथिंग वी डू, वी स्पीक, देन वी थिंक, वो एनर्जी आती जाती है. एंड ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है टू एक्सपीरियंस दिस ऑरा. वी ऑलवेज थिंक कि हम बस कुछ ऐसा करें सो दैट वी हैव अ परफेक्ट बेबी, परफेक्ट हेल्दी, परफेक्टली हेल्दी, हैप्पी, ना तो डिजीज हो, वो रात को भी आराम से सो जाए, वो हमारी बात भी सुन ले, जब वो 2 महीने का है तब भी, जब वो 2 दिन का है तब भी, और जब वो 20 ईयर्स का है तब भी. नेचुरल है ना, आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल टू हैव सच अ ब्यूटिफुल थॉट. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, परफेक्टली फाइन. बट इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि यू अंडरस्टैंड एंड डू सर्टन चेंजेस विद इन योर सेल्फ सो दैट आप ये सब अचीव कर सकें. सो ये ऑरा, इस वाइब्रेशन को you have to just hold it through. Similarly, when I started to go into my inner journey, pata nahi tha that what is meditation is going to do. Never I thought that being such a busy gynecologist, I will ever have time to go into my inner self, see what I want to change, because I thought मैं तो perfect हूँ, सब अच्छा है, इतने सारे deliver कर रहे हैं हम babies, everything is so you know, is so good, there is nothing that I need to, there is nothing that I need to actually do more, because काम मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, patients are happy, deliveries बहुत अच्छी हो रही है, everything is perfect. But when you go inner, then what changes you have, how your energy and aura changes, उससे ऑटोमेटिकली इतनी ब्यूटीफुल सी फैमिली बन जाती है. दैट इज व्हाई ऑल ऑफ यू आर हियर टुगेदर विद अस टुडे. एंड ईच वन ऑफ यू, मे बी दे आर नॉट प्रेजेंट हियर टुडे, बट दे हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली. एंड उसके पीछे देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन, कारण है उसके पीछे. क्यों? When we only have to understand कि हमें अपने अंदर क्या changes करने हैं, और उसके बाद वो automatically one thing and the other, जैसे कहते हैं ना, if you put one pure thought in the universe, it expands and it reaches, it inspires, it motivates, it creates. किसी को बोलने के लिए नहीं सुनाना पड़ता ना, जैसे अभी आप आज सिस्टर शिवानी को सुनेंगे, इतनी ब्यूटीफुल बात उन्होंने कही थी जो मुझे आज तक नहीं भूलती. इट्स अबाउट 10 ईयर्स आई वॉज अटेंडिंग वन ऑफ द वर्कशॉप्स. शी सेड, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस पीपल बाय व्हाट यू से, ट्राई टू इंस्पायर देम बाय व्हाट यू डू. सो व्हेन आप ये सारा कुछ फील करते जाएंगे, ये पूरी जर्नी आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके अपने पूरे संस्कार को चेंज कर जाएंगे, योर एंजल इज गोइंग टू बी डिवाइन. एक्चुअली तो वो है डिवाइन, दैट इज व्हाई ऑल ऑफ यू आर हियर. सो मेनी पीपल सेड वी विल कम, बट ओनली डिवाइन एंजल्स कम, बिकॉज वो आपको पुल करते हैं कि नो मम्मी, इट्स अ संडे, इट्स 4 o'clock, बट यू नीड टू लिसन, बिकॉज इफ यू लिसन देन आई कैन लिसन.
वो कहेगा जब आप सुनोगे तभी तो मैं सुनूंगा, तो आपको उठना ही है। सो सिमिलरली इसी तरह जब हम वर्चू बेबी की जर्नी पे एक ब्यूटीफुल सी फैमिली को क्रिएट करते गए, क्या क्रिएट होती चले गए, वो थाउजेंड्स ऑफ बेबीज दे केम। काम मैं पहले भी कर रही थी, यू नो आई वाज वर्किंग पहले भी, वी वर बीइंग विद बिग हॉस्पिटल्स एंड एवरीबॉडी इज वर्किंग, सारे डॉक्टर्स बहुत सारे पेशेंट्स करते हैं, हम भी कर रहे थे। बट एज स्पिरिचुअलिटी गोज इनटू यू स्टेप बाय स्टेप, इंच बाय इंच, योर सेल्स स्टार्ट रेडिएटिंग इट एंड स्टार्ट फीलिंग इट, बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस होने लगे। कई ऐसे टैंजिबल एक्सपीरियंसेस होते हैं, यू नो व्हेन यू आर ऑन दिस प्रेगनेंसी जर्नी, आपको लगता है पहला कि मेरे प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, दूसरा मेरा बेबी बहुत हेल्दी एंड हैप्पी ग्रो होना चाहिए, थर्ड थिंग यू फील आई शुड हैव अ नॉर्मल डिलीवरी, फोर्थली यू फील माई बेबी शुड बी ब्रेस्ट फीडिंग, यू नो दैट इज द बेस्ट फॉर माई बेबी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट गोल्स, एब्सोल्यूटली फाइन, वो तो बहुत अच्छी बात है, बट ये गोल्स अचीव करने के लिए चार अलग अलग पॉइंट्स पे काम करें या एक ही पॉइंट पे काम कर लें। मैं अपना बता सकती हूँ, पेरेंट्स की थॉट्स और फीलिंग्स हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द बेबीज फिजिकल हेल्थ एंड पर्सनैलिटी। ऑलवेज रिमेम्बर कि आपका मन आपकी बॉडी को हेल्दी रख रहा है, आपका मन आपके बेबी के मन और बेबी की बॉडी को भी हेल्दी रख रहा है। सो दैट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। तो फिर किसका ध्यान रखना चाहिए? मन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैंने भी जब अपने मन का ध्यान रखना शुरू किया तो मुझे लगा कितने सारे लोग मेरे साथ आ गए, सो मेनी। आई थिंक मेरी आवाज ऑडिबल नहीं है, I remove this? Is it better now? Okay, fine. So, जब मैंने भी अपने मन का ध्यान रखना शुरू किया तो इतना ब्यूटिफुल सा पूरा रिश्ता बनता गया। It's fine now? Okay. So, very importantly, ये चीज आपको आज यहाँ से समझनी है। यू नो जब हम व्हेन आई वाज जस्ट गोइंग ऑन क्रिएटिंग यू नो वीडियोस एंड ट्राइंग टू स्टडी, मैंने बर्थ साइकोलॉजी पढ़ी। आई अगेन पुट इट बैक। ओके, इट्स फाइन। या so when I went, I studied birth psychology, I could merge both spirituality and science together, because I never knew that what the mother and the father is actually thinking at that time, it's going to move into generations. Ye hame pata hi nahi thi pehle baat, scientifically pata thi but we never used to follow it, but I have seen that happen. क्या क्या चेंजेस किए जब जब पेरेंट्स हमारे पास आए, उन्होंने अपने मन का ध्यान रखना शुरू किया, उन्होंने अपने रिलेशनशिप्स का ध्यान रखना शुरू किया, दे स्टार्टेड कनेक्टिंग टू देयर बेबीज इवन बिफोर यू स्टार्ट ऑन दिस जर्नी, इनवाइटिंग अ बेबी इनटू देयर लाइफ, अपने पूरे लाइफस्टाइल चेंजेस को बहुत ब्यूटिफुली करके कॉल योर बेबी इन दैट कॉन्शियसनेस ऑफ प्योर इंटेंशन। इंटेंशन एज अ डॉक्टर पहले भी प्योर थी, बट पहले उस इंटेंशन में मैं अपने आप के लिए ऑनेस्टली आपसे शेयर करूंगी, शायद उतनी शक्ति नहीं थी, दैट इंटेंशन वॉज नॉट वेरी पावरफुल। व्हेनेवर आई यूज टू हैव दोज लिटिल एंजल्स इन माई आर्म्स, आई वॉज ऑलवेज वेरी हैप्पी, बट शायद उतना बॉन्डेड और कनेक्टेड नहीं थी। जब वो कनेक्शन मेरे थ्रू आप सबके साथ इंक्रीज होता गया और मेरे लिए भी मल्टीप्लाई होता गया, तो हमने एक बहुत ही प्यारी सी स्टडी करी। क्योंकि जब तक ये डॉक्टर माइंड कोई स्टडी नहीं करता, जब तक कोई एविडेंस नहीं मिलती ना, इस वो वाली पुश नहीं आती। तो हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टडी करी कि वाकई ही बॉन्डिंग विद द बेबी, मेडिटेशंस करनी शुरू करी हमारे पेरेंट्स ने, बुक्स पढ़नी जो शुरू करी हमारे पेरेंट्स ने, उनका कनेक्शन बहुत डीप होता गया अपने बेबी के साथ। तो उस स्टडी में हमने देखा कि जिस पीरियड में उसी सेम हॉस्पिटल में जब मैंने ये सब कुछ नहीं दिया था, तो हमारा सिजेरियन रेट वाज 33%।
हमने फर्स्ट टाइम मदर्स हु यूज्ड टू कम टू अस उनमें किया ये, और वो हमने 33% से हमने जब 1.5 साल की स्टडी की जिसमें हमारे पेरेंट्स ने वो यूज किए सारे टूल्स टू कनेक्ट विद योर बेबी, मेडिटेशंस करी, बुक्स पढ़ी, वेबिनार्स भी अटेंड किए, मेडिटेशन कोर्स करा, अपने ऊपर रोज ध्यान रखना शुरू किया, तो वो 33% से 18.8% आ गया जो रिकग्नाइज भी हुआ. तो ये टेंजिबल एक्सपीरियंसेस जब होने लगे, आई एम टॉकिंग अबाउट 4 years बैक, सो तब देयर वाज नो टर्निंग बैक. देन इट वाज लाइक एवरीबॉडी यूज्ड टू से आप क्या करते हो कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है. आई से मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं उनको बस वो डिवाइन कनेक्शन दे देती हूँ कि वो कनेक्ट हो जाए, अपने आप से हो जाए. कितने लोगों ने हमें इतने ब्यूटीफुल क्वांटिटेटिव एक्सपीरियंसेस बताए अपने क्वालिटेटिव वाले कि मैम आई हैव चेंज्ड एज अ पर्सन. उनके पेरेंट्स ने आके बताया मेरी तो बेटी ही बदल गई. आई एम श्योर निकिता शायद होगी भी, अभी उसकी मम्मी मेरे पास आई, अभी इसमें ही होगी हमारे ग्रुप में. अब उसकी मम्मी आई कहती है मैम मेरी तो बेटी बदल दी, माई डॉटर इज चेंज, शी इज बिकम सो पीसफुल, सो हैप्पी, सो ईजी, एंड द बेबी इज एन एंजल. Baby is an angel because baby is an angel. That is why the parents also have to become angels. And that is what is the whole journey of virtue baby. So, इसीलिए कोई कोई कहते हैं आप क्या कराते हो इस प्रोग्राम में. मैंने कहा सबसे पहले तो मैं खुद अपना ध्यान रखना शुरू किया इस प्रोग्राम की वजह से. You know, रोज शक्ति लेनी पड़ती है. Every day you have to work on yourself. तभी वो मैजिक होता है, तभी आपसे वो ट्रांसमिट होता है, बिकॉज यू आर द गोल्डन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. यू आर द एंटेना जो सारे साउंड, साइट, वर्ड्स, एनर्जी, फीलिंग्स ट्रांसमिट करके अपने बेबी को दे रहे हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट वर्क विच हैज बीन डन आपके ऑरा के लिए. आज बहुत लोग कहते हैं हमारी बॉडी है जो फिजिकली बहुत हेल्दी होनी चाहिए, हमारी बॉडी जो है बहुत अल्कलाइन होनी चाहिए, हमारा माइंड जो है बहुत सॉर्टेड होना चाहिए, वी शुड नॉट होल्ड ग्रजेस, गो फॉर ऑरा क्लीनिंग, गो फॉर एक्यूप्रेशर, गो फॉर अदर थेरेपीज विद इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट. व्हाई? बिकॉज एवरीथिंग मैटर्स. अ लाइफ कैन नॉट बी क्रिएटेड इन अ लैब. साइंस में तो, साइंस से तो लैब चल बन नहीं सकती. लाइफ है, ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन तो बनाना नहीं है, सिर्फ बीइंग भी बनाना है. तो बीइंग तो वही बनेगा जब आप अपने आप को बीइंग समझोगे. एसेंस है ये वर्चुअल बेबी का. यू आर अ सोल एंड योर बेबी इज ऑल्सो अ सोल. तभी ना अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस जो हम अपने माइंड में इस रीजन से कर लगते हैं, सब ठीक तो होगा, माई बेबी इज गोइंग टू बी फाइन, है ना जानवी? कल की बात है ना जानवी? मैम मुझे डर लग रहा है, मेरे को अल्ट्रासाउंड कराना है, सब ठीक होगा ना. वाई सच अ थॉट शुड कम? इफ यू आर बॉन्डेड, इफ यू आर कनेक्टेड टू आर बेबी, बेबी इज प्योर एनर्जी, वो आपको एनर्जाइज करेगा. बट ये सब चीज को फील करने के लिए हमारा जो बेस और एसेंस है वो है हमारा डिवाइन कनेक्शन. अगर हम अपने सुप्रीम फादर से डिवाइनली कनेक्टेड हैं, हमने अगर वो प्योर इंटेंशन, प्योर एनर्जी, पावर फील करी है, तो हमें कभी किसी चीज की घबराहट हो ही नहीं सकती. हमारे मुंह से वो कॉम्प्लिकेशन वर्ड निकलेगा ही नहीं. सब ठीक होगा कि नहीं, वो डाउट, फियर, एंग्जाइटी नहीं निकलेगी. जब वो नहीं निकलेगी, वो कनेक्शन फील कर लिया. एंड वर्चुअल बेबी ने आपको वैसे भी बहुत सारे टूल्स दिए हैं, एंड आई एम श्योर यू आर ऑल अप्राइज्ड अबाउट इट. वो आपके पास ऑलरेडी है. आपने अपना रोज मन का ध्यान रखा, आप आज वो डिवाइन कनेक्शन सीखोगे नहीं सिर्फ, आज आप उसको एक्सपीरियंस करोगे सिस्टर शिवानी के साथ. उन्हीं की चीजें एक्सपीरियंस कर करके देखो कितने सारे हम लोगों ने मिलके उनकी एनर्जी से, सुप्रीम गॉडली इंटरवेंशन से इतनी ब्यूटिफुल फैमिली बनाई है. इसलिए सो दैट वी हैव एंजल्स इन दिस वर्ल्ड कमिंग एंड क्रिएटिंग अ गोल्डन एज. एंड इट्स नॉट एब्स्ट्रैक्ट. ये हम ऐसे ही बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं. हमारे बेबी हैं वो एंजल्स, तभी आज हम सारे इकट्ठे कनेक्टेड यहाँ बैठे हैं. क्योंकि वी आर विलिंग टू लर्न, विलिंग टू नो, विलिंग टू अंडरस्टैंड वॉट इज बॉन्डिंग.
क्या होता है बेबी से कनेक्शन, कैसे हम अपने बेबी को बेस्ट से बेस्ट नर्चरिंग अभी दे सकते हैं, इवन बिफोर, इवन इफ द बेबी इज इन योर माइंड, यू हैव टू एक्चुअली कैच दैट एनर्जी. इफ द बेबी इज विद इन द वूम, एंड जैसे ज्योतिषी आप लेके बैठे हो, योर बेबी इज इन योर आर्म्स, दे आर ऑल लिसनिंग टू ऑल दिस. फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा. यस, डे बिफोर ओनली निकिता वाज टेलिंग मी कि मैम मेरा बेबी तो रोता ही नहीं है, बस रात को मैं सुलाती हूँ सो जाता है. वो इसलिए भी कि वो सो जाता है, दूसरा इसलिए कि ड्यूरिंग दीज 9 months यू शीज चेंज एज अ पर्सन, ऑल ऑफ यू चेंज योर सेल्फ, एवरीथिंग सेटल्स डाउन. आपको लगता है अगर वो रोया भी तो इट्स फाइन, उसको बाई चांस उसको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक हो जाएगा. ये माइंड सेट, ये रोज आपको डेली के बेसिस पे स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू एक्सपीरियंस, एंड दैट इज व्हाट वी आर ऑल हियर फॉर टुडे, टू एक्सपीरियंस दैट ब्लिस, दैट डिवाइन कनेक्शन. आई नो आप सब बहुत वेट कर रहे हो और मैं भी वेट कर रही हूँ, क्योंकि हमें दीदी का टाइम मिले, हमारे बेबीज को उनकी एनर्जी मिले, उनकी ब्यूटिफुल डिवाइन कनेक्शन मिले. सिस्टर शिवानी, शी डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन. मैं तो क्या इनको इंट्रोड्यूस करूँगी, कोई भी नहीं कर सकता. बट सबसे प्यारी हमारी उनको क्या एक ब्यूटिफुल, यू नो, एक कहते हैं ना, एक ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, हम सब उनसे एनर्जी सुनते हुए ले, बिकॉज योर एंजल्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट ब्यूटिफुल कनेक्शन. सो आप सब उनको सुनेंगे. शी हैज बीन सो इंस्ट्रूमेंटल इन टेलिंग अस, मेकिंग अस एक्सपीरियंस कि क्या है वो सोल, बिकॉज जब तक अपने सोल और उसके संस्कार की क्लैरिटी नहीं हो, वो डिवाइन कनेक्शन एक्सपीरियंस करना इज वेरी डिफिकल्ट. वो जब खुद एक्सपीरियंस किया, एंड दैट इज द टाइम दैट वो इनर जर्नी शुरू हुई, एंड दैट इज द टाइम कि हम सब इकट्ठे मिलकर एक फैमिली में आज बैठ कर और ब्यूटिफुल एंजल्स लाने के लिए बहुत बहुत हैप्पी हैं, थैंकफुल हैं, ब्लेस्ड फील कर रहे हैं दैट वी आर द चोजन वंस. सो दीदी विल एनलाइटन अस, inspire us and help us in creating beautiful souls, and most importantly that beautiful divine powerful connection with our supreme father. Aap log agar videos on karke baithenge to wo words ke sath sath energy bhi experience kar sakenge, to apna bhagya to hum khud hi banayenge na sare milkar. और एक दूसरे की एनर्जी भी मिलती है तो और भी हिम्मत आ जाती है. देखो कितने सारे एंजल्स दिखाई दे रहे हैं दीदी, सारे एंजल्स अपने मम्मी पापा के साथ आपको मिलने आए हैं आज. थैंक यू सो मच. प्लीज ओम शांति. ये सब एंजल्स को देख के अब बात करने का मन ही नहीं कर रहा. आई फील लाइक ओनली लुकिंग एट देम, क्योंकि डिविनिटी तो इनसे मिलती है सबको. Yeah, I'm sure. Yeah. Why is it always that a baby attracts everybody? You know, सिर्फ आपका अपना बच्चा नहीं, लेकिन मार्केट में भी जाते हैं या आप देखते होंगे कि आप अपने बेबी को लेके जाते हैं तो लोग ऐसे ही खिंचे हुए आ जाते हैं एक बच्चे की तरफ ऑटोमेटिकली, ना जान ना पहचान ना कुछ, ऑटोमेटिकली. Why does everybody get attracted towards a baby? Because of the purity of the soul, the divinity of the soul. That soul is egoless. Egoless hai wo. And kyunki wo egoless hai, everybody just gets pulled towards the child. Har ek ka man karta hai bacche ke paas jane ka, kyunki wo aakarshit karte hai. That ego attract, that egolessness, that purity attract people. Dheere dheere kya hota hai? Hum sab bacche bhi aise hi the na jab hum bacche the. Aaj to aapke haath mein bacche hain. Lekin kuch saal pehle aap apni mummy ke haath mein the. तो हम भी ऐसे ही थे, प्योर थे, ईगोलेस थे. एंड धीरे 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 लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ हु एम आई वो इतनी लेयर्स बन जाती हैं, एंड दैट प्योरिटी स्टार्ट्स गेटिंग हिडन एंड वी गेट कवर्ड बाय लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ हु वी थिंक वी आर, एंड दैट्स व्हाट क्रिएट्स द ईगो. एंड देन व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली मीन्स टू अगेन रिमूव दोज लेयर्स. Again, remove all those layers of who I think I am, which I am not,
and go back to being like a baby. So if you look at yourself, when you're talking to your child, you actually start talking like a child. You know, you start behaving like a child, which means you actually become egoless when you are talking to someone who is egoless. It's natural because the vibration of the child makes you behave like a child. If you were talking to an adult like that, you would never do that. But talking to a child, we start behaving like that. So what happens is the purity of that child in an instant just removes all our layers of ego and we go back to be who we were. And that's the most important part of spirituality and meditation. And that's why, like Dr. Nitika was sharing, it actually changes us as a person. It changes us as a person. Because वो पहले हमें इस divinity के journey पर लेके जाता है. So we really don't know how the magic happens, whether we influence the child or whether the child is influencing us. I have no idea what happens, but there is divine magic that happens. But the child definitely is radiating divinity. But if the parent also starts radiating divinity, then there is super magic that will happen. Super magic that will happen. And that's what this journey does, that while taking care of our physical health, while taking care of the physical health of the child, if we start taking care of our purity, we are going to lay down a strong foundation for a lifetime of the child. For the lifetime. What happens during these 9 months? Most of you all, your complete perspective would be delivery theek honi chahiye, bachcha healthy hona chahiye, bas, utni hi priority hai. Uske baad to hamare paas pura jeevan hai na bachche ko achha banane ke liye. Lekin ye 9 months kiske liye important hai? Delivery theek honi chahiye, koi complication nahi aani chahiye, bachcha healthy hona chahiye. Itna chota intention nahi rakhna. This is a very small intention. Apne intention ko thoda bada banate hain. Wo zamana chala gaya. That was 40, 50 years back, jahan delivery mein complications hona bahut common hota tha, problems aana bahut common hota tha, physical bimariya hona bahut common hota tha. Abhi bhi kabhi kabhi hota hai, but it's rarest of rare. Most of the cases, everything goes fine physically. Why? Nah, because we have great infrastructures, we have great treatment modalities, we have everything perfect. But in the process, there are certain other things which are now creating complications. Those complications are less physical, but those complications are more emotional complications. But then the emotional complications of the mind somewhere start creating complications in the body. And that's why this journey is extremely important, but with a double perspective, not just to take care of the health of the baby, but to take care of the emotional health of the baby. That's very important. But when that child is in your arms, you wouldn't be really looking at the emotional health of the child. You only would want to see that the baby is physically perfect. Because the emotional health of a child, yes, we can see it now even in a baby, but otherwise the world will say, "Wo to pata chalega," when the child is 10 years old, 20 years old, 30 years old, what the personality turns out to be. But what spirituality and now science also tells us, what the child is going to be after 10 years or after 20 years or after 30 years, the seed is sown now in these 9 months. So that is a power. When we come to know that power, now use the power. You know, it's like a magical power. Aapko ek shakti mil gayi hai. Ab is shakti ko use kijiye. Isko use kijiye. So if we look at the world today, especially if we look at what all has happened in the last 2 years, and you must have also witnessed amongst people around you. Suddenly, is 2 saal ke andar, jab ye virtue baby program shuru hua tha, I think 7-8 saal hue honge. But that time we used to talk about sanskars, we used to talk about the sanskars of the child, which is very important. But suddenly, pichle 3-4 saalon mein, and especially pichle 2 saalon mein, this anxiety, panic attack, anxiety disorder, ye ekdam aise badh gaya. बहुत ही फास्ट बढ़ गया सडनली. एंड सिर्फ बड़ों में नहीं, इट हैज इंक्रीज रैपिडली इन चिल्ड्रन. नाउ व्हेन वी गो टू स्कूल्स एंड स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर टॉकिंग अबाउट पैनिक,
अबाउट एंग्जाइटी. लाइक स्कूल के बच्चे कैसे ये सारी बातें कर सकते हैं? दे आर डूइंग प्रोजेक्ट्स इन देयर एग्जीबिशन ऑन माइंडफुलनेस, ऑन मेडिटेशन, ऑन डिप्रेशन. वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दिस व्हेन वी वर इन स्कूल, एंड आई डोंट इवन थिंक इट वाज लाइक 10 इयर्स बैक, बट दिस लास्ट डेकेड एंड देन दिस स्पेशली दिस लास्ट 2 इयर्स दे टुक इट लाइक दिस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू जस्ट इंट्रोस्पेक्ट. एक मिनट सोचे सिर्फ. बच्चा तो अभी पैदा हो जाएगा कुछ महीनों में, लेकिन बच्चे के जीवन के बारे में सोचें और आज से 20 साल बाद की दुनिया को देखने की कोशिश करें. आज से 20 साल के बाद की दुनिया को देखने की कोशिश करें कि व्हाट वुड दिल्ली सिटी और व्हाट वुड इंडिया और व्हाट वुड द वर्ल्ड बी लाइक, व्हाट वुड सोसाइटी बी लाइक 20 इयर्स लेटर व्हेन माय चाइल्ड इज 20 इयर्स ओल्ड, जस्ट इन कॉलेज. Just look at that era, not even when the child is a professional, just when that child is in college. 20 years from today, what is the world going to be like? Ye dekhna bahut zaruri hai is time. Isliye zaruri hai because you have to prepare your child for that world which is going to be 20 years down the line. And if you look at it that way, you will understand that 20 years later, शरीर को ठीक करने के लिए तो साइंस वुड हैव गॉट एवरीथिंग बाय देन. सब कुछ ही अभी बहुत कुछ है. कोई भी बीमारी लेके चले जाओ ठीक ही कर देते हैं वो. कुछ ना कुछ करके हमें ठीक कर ही देते हैं. 20 साल पहले ये नहीं था. सो यू सी इन 20 इयर्स साइंस, मेडिसिन, मेडिकल प्रोसीजर्स, हाउ मच दे हैव मूव्ड फॉरवर्ड. तो और 20 साल में कितने आगे चले जाएंगे. फिजिकल हेल्थ विल रियली नॉट बी मच ऑफ एन इश्यू, बट द साइंस ऑफ द माइंड is not taken care by medical science. Haan, mental health issue is taken care of. Ki agar hume depression ho gaya, hume ye ho gaya, toh they can give us treatment and they take care of us. But the science of my mind is not going to be taken care of by any doctor. By any doctor. So, whether it's 10 years later or 20 years later or 50 years later, let science have any amount of advancement in technology. Science cannot give you the power to take charge of your mind. Science ke paas aisa kuch nahi hai jisse hum apne man ko theek kar le, hum apne hurt ko khatam kar de, hum apna gussa karna chhod de. Ye science nahi kar sakta hai. Bahar ka science. Ye wo science hai jo hame seekhni padegi. Jo hame seekhni padegi. And that is the science of spirituality. That's why spirituality is very scientific. It's very scientific. तो इसलिए कई बार लोग बोलते हैं ओ स्पिरिचुअलिटी आई डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज इट्स नॉट साइंटिफिक. हाँ तो मैं भी ऐसे ही बोलती थी, व्हाट इज ऑल दिस, ऑल ब्लाइंड फेथ, कुछ समझ में नहीं आता इसके अंदर. खुद देखा ही नहीं था ना जाके. तो बाहर बैठ के बोलना तो बहुत ईजी होता है, ये क्या, ये तो ऐसे ही करते रहते हैं. वी हैव टू एक्सपेरिमेंट विद इट एंड देन वी कम टू नो हाउ साइंटिफिक इट इज. सो इन द कमिंग टाइम्स द साइंस ऑफ द वर्ल्ड वुड हैव प्रोग्रेस्ड लाइक दिस. But for those who will not take care of their mind, for those who will not take care of their mind, this is not to fear, you know, panic you or make you scared of anything, but in the coming 10-20 years, jo log apne man ka dhyan nahi rakhenge, unke liye jeevan jeena bada mushkil sa ho jayega. Aajkal bhi kaiyon ke liye mushkil hua hai. Mushkil in the sense, apne aap se happy nahi hai. सब कुछ है बट अपने आप से हैप्पी नहीं है. हैप्पी नहीं है. कोशिश करते रहते हैं, सब कुछ खरीदते हैं, सब कुछ, खुशी नहीं आ रही है, एंथुजियाज्म नहीं है लाइफ के अंदर. चल रहे हैं, हाँ कट रही है जीवन, चल रही है. ये अभी की दुनिया है. वी आर टॉकिंग ऑफ 20 इयर्स फ्रॉम नाउ वी आर गोइंग टू बी लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर पीपल बी वॉकिंग अराउंड एंड सेइंग डिप्रेशन इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. दे विल से इट्स नॉर्मल. 20 years back when we were in school, we never said stress is normal. हमें stress word ही नहीं पता था. वो सिर्फ एक physics का formula हुआ करता था. We never walked around saying I am stressed, you are stressed. वो word ही नहीं था. Depression तो हमें पता ही नहीं था. So 20 years, 30 years में इतना फर्क पड़ा है. इस अगले 20-30 years में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा. And ये आपका fortune है कि आप इस बात को अभी समझ रहे हैं. Because right now, you are laying down the foundation of a personality who will see the result of this 20 years from later. 20 years later, ye bachcha dekhega ki mere aas paas ke log ye choti choti baaton mein ghabrate kyun rehte.
इतनी जल्दी पैनिक क्यों हो रहे हैं इतनी सी बात के अंदर, मैं तो ठीक हूँ। सो फिर कुछ लोग बोलेंगे, हाँ आप लकी हो, आप पैदा ही ऐसे हुए थे, यू आर बॉर्न लकी, इट्स इन योर डीएनए, इट्स इन योर जीन, इट्स इन योर फैमिली। ऐसा नहीं होता, ये उस बच्चे के कर्म और संस्कार होते हैं, एंड वो कर्म और संस्कार की फाउंडेशन डालने का टाइम अभी का टाइम है, अभी का टाइम है। 20 साल बाद जब आप अपने बच्चे को देखेंगे स्ट्रेस्ड होते हुए, एग्जाम से पहले डरते हुए, परेशान होते हुए, आप सिर्फ उसका हाथ पकड़ के उसके साथ बैठ सकते हैं, आप सिर्फ उसके लिए दूध और हॉर्लिक्स मिला के उसको पिला सकते हैं, आप उसको सिर्फ बार बार बोल सकते हैं ठीक हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आप उसके मन के अंदर घुस के उसके मन को ठीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम आप उसके मन के अंदर घुस के उसके मन को ठीक कर सकते हैं। दिस इज द पावर राइट नाउ, राइट नाउ योर माइंड हैज द पावर टू लिटरली गो एंड टच योर चाइल्ड्स माइंड एंड हील इट। दैट्स द पावर यू हैव राइट नाउ, एंड व्हेन दैट वर्क इज डन नाउ, मोस्ट ऑफ योर वर्क फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ द चाइल्ड इज ऑलरेडी डन, इट इज ऑलरेडी डन। So as you are working on taking care of your health and the health of your child, please remember physical health is extremely important. But now in the current scenario, emotional health is more important in terms of putting that as a priority. क्योंकि physical health तो ठीक होनी होनी है, doctors हमारे इतने अच्छे हैं, hospitals हमारे इतने अच्छे हैं, दवाइयाँ सब हमारे पास हैं, procedure हमारे को सब पता है, scan हमारे, physical health ठीक ही होनी है, कुछ नहीं गलत होता है, लेकिन emotional health हमें ठीक करनी पड़ती है, वो doctor, hospital, दवाइयाँ नहीं करेंगे, वो हमें करनी पड़ेंगे। तो जितना अपने चारों तरफ की दुनिया को अच्छे से देख लीजिए एंड फिर रियलाइज कर लीजिए कि इस दुनिया में, ये नहीं कि मेरे बच्चा कैसी दुनिया में आ रहा है, दुनिया तो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन वो दुनिया ब्यूटीफुल हमारे नजरिए पे डिपेंड करती है। अगर मेरा मन खुश है तो दुनिया बहुत खूबसूरत है, और अगर मेरा मन उदास है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे हम जिस दिन बीमार हो तो हमें खीर भी बड़ी कड़वी लगती है, लगते हैं कहते कितनी कड़वी है, सब कहेंगे खीर कोई कड़वी होती है, तो फिर दूसरे कहते हैं इसके मुंह का टेस्ट आज बिगड़ा हुआ ना, इसको वायरल है, तो उसको खीर भी कड़वी लगेगी उस दिन। सिमिलरली जब हमारा मन खुश नहीं होता हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सो राइट नाउ इज द पावर, एंड प्लीज प्रायोरिटाइज दिस, डोंट जस्ट ट्रीट दिस एज वन सेशन, दिस इज नॉट वन सेशन, दिस प्रोग्राम इज टू अंडरस्टैंड दैट आई हैव टू प्रायोरिटाइज द इमोशनल हेल्थ ऑफ माई चाइल्ड, बिकॉज इट इज ओनली इमोशनल हेल्थ that will prevent any kind of mental health issue for my child for a lifetime, for a lifetime. कई बच्चों जब पैदा होते हैं तो उनको कभी कभी कुछ छोटी शरीर में ऊपर नीचे बातें हो सकती हैं, लेकिन mental health issue किसी छोटे बच्चे को नहीं होता है, लेकिन वो आगे जाके होता है, आगे जाके होता है, तो वो अभी नहीं दिखाई देता, और जो चीज अभी दिखाई नहीं देती वो हमारी प्रायोरिटी पे आती नहीं है। सो यू ऑल आर गोइंग टू पुट दैट ऑन प्रायोरिटी which the world cannot see right now. So this requires you to be very far-sighted, जिसको कहते हैं दूरादेशी होकर देखना, कि जो दुनिया को अभी की प्रायोरिटी नहीं लगेगी वो आपको अभी की प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी अपने बच्चे के लिए, अभी के लिए करना है। So the emotional health of the child has to be taken care of, not just because the child is going to be emotionally strong, but also the child is going to be protected from any mental health issue. Which is going on the rise like this, ऐसे है, वो ग्राफ ऐसे भी नहीं जा रहा है, वो ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। कुछ साल पहले तक चाइल्ड साइकाइट्री कोई स्पेशलाइजेशन इंडिया में थी नहीं, इट वॉज साइकाइट्रिस्ट, ठीक है, नाउ वी हैव चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट। द अदर डे आई मेट अ चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट, सर आपके पास कितनी एज के बच्चे आते हैं, तो ही सर आपको क्या लगता है, सर मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं है चाइल्ड साइकाइट्री क्या होती है, इनको कौन सी प्रॉब्लम होती है, ये क्यों आते हैं आपके पास, तो ही सर सबसे छोटा बच्चा जो मेरे पास आया वो 1 महीने का है, सो आई सर 1 महीने के बच्चे को थोड़ी कोई प्रॉब्लम होती है, तो ही सर हाँ पहले नहीं होती थी आजकल होती है, आई सर ये क्यों होती है, तो ही सर ये तो मैं आपसे पूछने वाला था, ये आजकल क्यों होती है इतने छोटे बच्चों को ये सारी प्रॉब्लम्स, सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, वी नीड टू नो that that baby in your arms is not just the body that gets created in 9 months. You see the journey of the body in your ultrasound scan every month.
that baby in your arms is a soul plus a body. It's the soul plus a body. The body is new. It's new. It freshly got created in those 9 months. So you take care of your diet, your medication, everything, and you're going to create a very perfectly healthy new body. It's a fresh new body. So nayi cheez healthy hoti hai, strong hoti hai. But the soul is not new. The soul is not new. The soul is not getting created in those 9 months. The soul is an old soul. The soul is an old soul. That's why dunya kehti hai, old soul in a new body. Bachcho ko dekhte hain, to kehte hai, old soul in a new body. Everybody is an old soul in a new body, actually. So body gets created new, and then the soul leaves the body somewhere and enters the womb of the mother. So ek second ke liye sirf aankh band karo aur ye visualize karo ki aapke womb mein jo aaye hain, wo koi fresh new soul nahi hai. Kisi ke bhi womb ke andar koi fresh new soul nahi aaya. They are coming from another family, from another body. They already have a personality. They already have a personality. They're just changing a costume. आपके लिए वो बहुत बड़ी 9 months की जर्नी है. उनके लिए कुछ भी नहीं है वो. उनके लिए they're just changing a costume. कहीं किसी फैमिली में किसी एक ने एक कॉस्ट्यूम छोड़ा एंड उस टाइम आपके वोम्ब में उनका कॉस्ट्यूम रेडी हो रहा था एंड द सोल जस्ट लीव्स दैट एंड एंटर्स योर कॉस्ट्यूम. नाउ नो साइंस विल टेल अस दिस बिकॉज इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ मेडिकल साइंस. इट्स नॉट इवन अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी एक्चुअली. दिस इज प्योरली अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी टू अंडरस्टैंड. और ये हम सबको पता है कि जब पंडित जी घर पर आते हैं तो क्या कहते हैं. कहते हैं आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है. कहते हैं ना, आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है. शरीर का अंतिम संस्कार करने आए हैं हम. आत्मा तो चली गई, वो ऐसा बोलते हैं, हम सुनते हैं. हम ये नहीं सोचते आत्मा चली गई मतलब कहाँ चली गई. आत्मा अजर अमर अविनाशी है मीन्स द सोल कैनॉट डाई, द सोल कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड. The soul is eternal. The soul is immortal. Then where does the soul go? Well, the soul leaves that costume and they enter the womb of the mother and there they are with you. There they are with you. Where have they come from? They have come from this world. Please remember, it's not a fresh new soul. Why is it so important to know this? So that you'll be able to understand your child well. You won't say, hey, mera bachcha aise kyun karta hai, mera bachcha aise kyun karta hai. You'll be able to understand your child well. Most important, you'll be able to understand yourself and your spouse and everybody around you. Ye aise kyun karte hai, ye aise kyun karte hai. If you have a sibling, so just go back to you being a baby and you have a sibling and you're for your parents, you are two children or three children. The parents are the same. The family is the same. The schooling is the same, the house is the same, the city, country is the same, everything is the same. But you and your sibling are different. Are different. Different in terms of your nature, in terms of your personality. Aap dono ke sanskar alag hai, aap dono ka vyavahar alag hai. And kai baar aapke parents sochte honge, ye dono mere hi bachche hain, ye dono itne alag alag kaise hain. Kyun alag hain? Kyunki everything in the present is the same. But the two souls have come with a past. इसी तरह आपके अगर दो बच्चे हैं या दूसरा अभी होने वाला है, two are going to be completely different. Even if somebody has twins, almost same time पे पैदा हो रहे हैं, physically दिखने में identical हैं, तो भी personality wise they will be completely different and sometimes completely opposite. सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, जब सब कुछ सेम है ये दोनों इतने डिफरेंट क्यों है. इनके पेरेंट्स सेम है, इनका एनवायरमेंट सेम है, इनका सब कुछ सेम है, तो ये इतने दोनों डिफरेंट क्यों है. बिकॉज इनका प्रेजेंट सब कुछ सेम है, दे हैव कम फ्रॉम टू डिफरेंट पास्ट. सो प्लीज प्लीज होल्ड योर हैंड ऑन योर स्टमक एंड सी एंड फील योर चाइल्ड एंड अंडरस्टैंड दिस सोल हैज कम फ्रॉम अ पास्ट. हाउ मच आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है.
और वो अभी अभी क्या देख कर आए हैं, वो अपनी फैमिली छोड़कर आए हैं, एवरीथिंग दैट दे हैव अचीव्ड वो छोड़कर आए हैं. पता नहीं वो क्या ट्रॉमा भी देख के आए हो सकता है, वी डोंट नो वो कैसे आए हैं, बट दे हैव कम लीविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑफ देयर लाइफ, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, एंड देन दे एंटर द वूम्ब ऑफ द मदर, दे नो नथिंग अबाउट द प्रेजेंट, दे आर नॉट येट कनेक्टेड टू यू, दे आर स्टिल गेटिंग पुल्ड बाय देयर पास्ट फैमिली. बट वॉट डज द सोल कैरी विद देम? जब कोई जाता है और हम अंतिम संस्कार में जाते हैं तो सब लोग पता है क्या कहते हैं, क्या लेके गए जी, सब कुछ तो यहीं छोड़ के चले गए, इनका बिजनेस भी यहाँ, इनके बच्चे भी यहाँ, सब कुछ छोड़ के चले गए. तो स्पिरिचुअलिटी टीचर्स अस कि हम सब कुछ छोड़ के नहीं जाते हैं, एवरीथिंग दैट वी कैन सी वो हम छोड़ के चले जाते हैं, एंड एवरीथिंग दैट वी कैन नॉट सी हम अपने साथ लेकर जाते हैं. सो द ओनली वन थिंग दैट एवरी सोल कैरीज विद देम इज संस्कार एंड कर्म. These are the only two things, sanskar and karam, the soul carries with them. Now, when the soul enters the womb of the mother, they have come with those sanskars and karam. Now, in the womb, the soul is in a very detached state. Detached matlab, abhi unka kuch connection hi nahi bana hai with the body, with you, with the world, kuch bhi nahi hai. It is in a very detached state. And in a detached state, the power to influence another soul is very high. Very high. There are two powers right now that are going on. Do shaktiyan is time kaam kar rahi hai. One, the power of your mind on their mind. And the second thing that is happening is the power of their mind on your mind. Aisa nahi hai ki only you are influencing the child. The child is also influencing you. These 9 months for a mother is like two souls in one body. You are two souls in one body right now for these 9 months. Till you get your baby in your hand, you are two souls in one body. So it is like two minds living in one body. So kaise hoga? Kabhi ek ban kuch bolega, to dusra ban kuch aur bolega. And I'm sure you must be experiencing this thing. Isiliye wo husband confused ho jate hain. अभी अभी बोल रहे थे ये खाना है, मैं इतनी मुश्किल से लेके आया, अभी बोलती है मुझे नहीं खाना, भी तुम्हारी क्या प्रॉब्लम, क्या है, तुमने तो अभी कहा था खाना है. क्योंकि वो हस्बैंड को पता नहीं है ना, इनके अंदर दो मन रह रहे हैं आजकल, ये दो मन है इनके अंदर अभी. तो एक मन ने कहा खाना है, जब तक वो लेकर आए तब तक दूसरे मन ने कहा मुझे नहीं खाना है अभी ये वाली चीज, कहते मेरे से इतनी मेहनत कराई, तो हमें ये पता नहीं है ना, इसलिए हमें समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है. हाउ इज इट दैट राइट नाउ आई वांटेड दिस एंड नाउ आई वांट दिस, राइट नाउ आई फेल्ट लाइक स्लीपिंग, नाउ आई फील लाइक वॉचिंग अ मूवी, राइट नाउ आई फेल्ट लाइक गोइंग आउट, 15 मिनट्स लेटर आई डोंट फील लाइक गोइंग आउट. प्लीज रिमेंबर वी आर टू माइंड्स इन द बॉडी, वी टू माइंड्स इन द बॉडी, एंड दीज टू माइंड्स आर हैविंग अ वेरी वेरी पावरफुल इन्फ्लुएंस ओवर ईच अदर, बिकॉज दैट सेकेंड माइंड इज एन एब्सोल्युटली डिटैच स्टेट, बिल्कुल डिटैच है बॉडी से, वो तो एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में है. अब बच्चा तो आपको इन्फ्लुएंस कर ही रहा है, लेकिन इम्पोर्टेंट है वो चेक करना कि आप उस पर क्या क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हो. वो एक फ्रेश क्लीन सोल नहीं है, नहीं है, वो एक सोल है जो अपने कर्म और संस्कार लेकर आई है. ठीक है, उसके मेजॉरिटी संस्कार वैसे ही बहुत ब्यूटीफुल होंगे, लेकिन हो सकता है कोई सोल गुस्सा करने का संस्कार लाई हो, कोई सोल हर्ट होने का संस्कार लाई हो, कोई सोल रिजेक्टेड फील होने का संस्कार लाई हो. एक दो संस्कार तो हमारे अंदर होते हैं ना, ऐसे अपने आप को ही विजुअलाइज कर लो, आई द सोल मेरे अंदर कैसे वाले टाइप के संस्कार हैं, ऐसे ही हम में से कोई तो आया है ना, तो वो संस्कार लाए हैं. सो दीज 9 months इज द पावर टू हील दोज लिटिल संस्कार्स विच दैट सोल हैज कम विद, विच आर नॉट वेरी हैप्पी संस्कार्स. That is the power right now. So this 9 months, the state of mind that you will create for yourself. So agar aapke womb mein jo wo angel, the mind hai, agar uske andar thoda sa gusse ka sanskar hai, ho sakta na, kyunki abhi majority logon ke andar to gussa hai, ab unme se koi apni body chhod kar aapke andar aaya, to uske baad bhi thoda sa gusse ka sanskar hoga. Ab thoda sa hoga, lekin aap bhi agar gussa karte ho, तो फिर आपका गुस्सा और उसका गुस्सा मिला के क्या कर देगा, उस गुस्से के संस्कार को और भी थोड़ा सा क्या कर देगा,
स्ट्रॉन्ग कर देगा. लेकिन अगर वो थोड़ा सा गुस्से का संस्कार लेकर आया है, लेकिन आप गुस्सा नहीं करते हैं क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि मेरी एंगर की वाइब्रेशंस इस टाइम रेडिएट हो रही हैं, नॉट जस्ट टू माय बॉडी, नॉट जस्ट टू द एंजल, बट आल्सो टू द एंजल्स बॉडी दैट इज गेटिंग क्रिएटेड. तीन चीजों पे असर कर रही है आपकी इमोशन. अगर आप आजकल हम सबके घर में ऑक्सीमीटर पड़े हैं ना कोविड की वजह से, जिस दिन आपको अच्छे से गुस्सा आए ना, उस ऑक्सीमीटर को निकालिए और अपने पे लगा लीजिए उसी टाइम, एंड आप देखेंगे आपको पैरामीटर्स क्या मिलने वाले हैं. सो दिस इज अ फुल ग्रोन बॉडी ऑफ 25-30 इयर्स, उसके ऊपर भी इस गुस्से का असर हो रहा है. इन योर वोम्ब अ न्यू बॉडी इज गेटिंग क्रिएटेड, उसके ऊपर कितना असर हो रहा होगा वो गुस्से का. सो वेन वी अंडरस्टैंड दिस दैट माई इमोशन is not just affecting my body, it is affecting the mind of the angel, and it is also affecting that new body of the angel which is getting created. तो जब आप इस चीज को सोचेंगे तो आपको आपके जीवन की कोई भी बात उतनी बड़ी नहीं लगेगी जो गुस्सा करने लायक है, क्योंकि बातें तो मेजोरिटी बहुत छोटी ही होती हैं, बड़ी छोटी होती हैं जिनमें हम उलझते हैं. इसलिए एक पोस्टर बनाइए अच्छा सा अपने घर पे और उस पर रख दीजिए, My every emotion is influencing 1, 2, 3. My body, the angel's mind, the angel's body. ये तीनों पढ़ लो तो किसी भी बात पे गुस्सा नहीं आ सकता. मतलब कौन सी बात इससे बड़ी है अभी इस टाइम जो गुस्सा करना है मैंने, कौन सी बात किसी ने कुछ ऐसी कह दी जिसको मुझे रोना चाहिए जब मुझे ये तीनों पॉइंट्स दिखाई दे जाए इस टाइम पे, कौन सी बात मेरी लाइफ में इतनी बड़ी हो सकती है इस टाइम, कोई भी बात नहीं बड़ी होगी, कोई भी बात नहीं बड़ी होगी. When I will understand that it is impacting three things, my body, the child's mind, and the child's body. तीन चीजों के ना बड़े बड़े pointers बना के रख लो, बार बार देखना चाहिए उसको. Three things. उसी time गुस्सा जो आया होगा वो भी खत्म हो जाएगा. नहीं नहीं, not worth it. Leave it. छोड़ दो बे, क्यों उलझ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. So you have to, that has to be visible to me, my intention. Why should I be taking care of my mind? क्यों मैं इतना मेहनत करूं इस टाइम पे? अब के समय में फिजिकल पर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो डॉक्टर्स ही हमारा ध्यान रख लेते हैं. लेकिन माइंड की मेहनत, मेहनत भी नहीं, मेहनत ध्यान, अटेंशन थोड़ा सा हमें रखने की जरूरत है. द सोल कुड बी कमिंग विद द संस्कार ऑफ गेटिंग हर्ट, क्योंकि हमें है वो संस्कार ऑफ गेटिंग हर्ट. कोई कुछ कहता है हमें बुरा लग जाता है, कोई कुछ कहता है हमें रोना आ जाता है. नाउ द सोल हैज कम इन टू योर वूम्ब. अगर आपको पहले हर्ट नहीं भी हो रहा था ना, आप में से किसी किसी को अब ज्यादा हर्ट होने लग जाएगा. आप छोटी सी बात पे रोने लग जाएंगे. आपके हस्बैंड कहेंगे ये कैसी हो गई है, ज्यादा जल्दी जल्दी रोने लग गई आजकल, पहले तो नहीं रोती थी इतना ज्यादा, अभी तो छोटी छोटी बातों पे इसको बुरा लगता है. कि कोई कहेगा ओ हार्मोनल चेंजेस, वो सब कुछ नहीं है, वो जो सोल है ना उसकी वजह से वो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं. बिकॉज देयर इज अनदर माइंड दैट हैज एंटर्ड इनटू द बॉडी विद अ डिफरेंट सेट ऑफ संस्कार्स. सो इफ यू फाइंड योरसेल्फ getting upset or crying or getting irritated or getting impatient or getting angry, different from what you used to be before, different from what you used to be before, no panic. Please understand, this is the sanskar of the child who has entered into your womb, and it's good to see the sanskar of the child and then start working on that sanskar. That before the baby comes into my arms, maine ye wala sanskar theek kar dena hai. So don't allow the child's unhappy sanskar to influence you. Immediately overpower the child with your happy sanskar. फटाफट से अपने आप को ठीक करो कि ना मैं आपको रोने दूंगी और ना मैं खुद रोऊंगी, ना मैं खुद रोऊंगी, क्योंकि आप तो रो ही रहे हो, मैंने नहीं रोना आपके साथ इस टाइम पे. But for that you have to understand why are you crying. You're crying because the baby is crying. You are angry because the baby is angry. You are impatient, irritated because probably the baby is going through that emotion. Overpower the child's energy by setting your mind right immediately. Do not allow your mind to stay in that state of a lower vibration. So, ab do vibration ka set dekh lete hain. Ek lower vibrations, ek higher vibration. I want both of all of you to take out your hands like this. Theek hai? Dono haath aage karo. And aap log identify karenge ke kaun si cheez kaun si vibration pe hai. Dono haath aage karna. Agar wo lower vibration pe hai, to niche lekar aana. हायर वाइब्रेशन पे तो ऊपर लेके जाना अपने हाथ को. बट आइडेंटिफाई आप करेंगे कि कौन सी इमोशन लोअर होती है और कौन सी इमोशन हायर होती है. स्ट्रेस कहाँ होगा, स्ट्रेस कहाँ होगा, लोअर या हायर?
लोअर होगा तो नीचे जाना है, हायर होगा तो हाथ को ऊपर लेकर जाना है. स्ट्रेस कहाँ होगा? लोअर होगा. हैप्पीनेस कहाँ होगी? हायर होगी. एंगर कहाँ होगा? लोअर होगा. एक्सेप्टेंस कहाँ होगा? हायर होगा. एक्सपेक्टेशंस कहाँ होगी? लोअर होगी. जेलेसी कहाँ होगी? करो 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 अभी करो गेम, अभी मैं नहीं हाथ रखती अपना आगे. जेलेसी कहाँ होगी? लोअर होगी. कंपैरिजन कहाँ होगा? सोशल मीडिया पे बैठे देखते गए, ओ इनके इतना, इसको ऐसा हुआ, ये इधर गए हॉलीडे पे, ये उधर, किधर होगा? लोअर होगा. कंपटीशन की फीलिंग कहाँ होगी? ग्रैटिट्यूड का वाइब्रेशन कहाँ होगा? ऊपर होगा. कंपैशन का वाइब्रेशन कहाँ होगा? ऊपर होगा. फेथ इन द डिवाइन का वाइब्रेशन कहाँ होगा? ऊपर होगा. वरी का वाइब्रेशन कहाँ होगा? नीचे होगा. केयर का वाइब्रेशन कहाँ होगा? ऊपर होगा. सो सिंपल ना, हमें सारे आंसर्स पता है ना, हमें सारे आंसर्स पता है. देर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल. वी आर वेरी क्लियर विच इज अ लोअर एनर्जी, विच इज अ हायर एनर्जी. लाइक यू आर वेरी क्लियर दैट यू आर नॉट गोइंग टू गिव योर चाइल्ड अ लोअर न्यूट्रिशनल डाइट. Similarly, now we are not going to give the child a lower vibrational energy. Simple. हमने उसको कोई भी lower vibrational energy नहीं देनी है, ताकि वो जो एक दो lower vibrational संस्कार के साथ लेकर भी आए होंगे, क्योंकि very difficult that somebody has come with all high vibrational संस्कार, क्योंकि वो इस दुनिया से ही आए हैं, तो कुछ एक दो संस्कार हो सकते हैं उनके, वो वाले वो भी इस 9 months के अंदर ठीक हो जाएंगे. If we are going to radiate only lower, higher vibrational energy to them, but iska matlab ye hai ke then we have to be vibrating always at that higher frequency. We have to be vibrating at that higher frequency. And it's very easy. Most of the time though, it's very easy. Kyunki hum apni lower frequency bas choti-choti baaton mein hi kar rahe hain. Choti-choti baaton mein ulaj ke, choti-choti baaton mein react karke, choti-choti baaton mein impatient hoke. Wo hum sab kuch karenge 2 saal baad. सिर्फ 2 साल के लिए ध्यान रखना है कि हमें उसको बड़ी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी देनी है, फिर हम अपने पुराने संस्कारों के पास वापस जा सकते हैं. बट टिल देन वी आर ऑन अ वेरी बिग प्रोजेक्ट इन आवर लाइफ. इफ आवर पेरेंट्स वुड हैव टेकन केयर ऑफ दिस ना, हमें इतना सारी मेहनत आज नहीं करनी पड़ती है सारी. उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, वो फिजिकल हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे. बट उनके पास बेनिफिट पता है क्या था, कि जब हम उनके वूम में थे ना, तो इतने इमोशनल इशूज थे ही नहीं दुनिया में जितने आज, वो थे ही नहीं. वो बाय इटसेल्फ ही इमोशनली स्ट्रॉन्गर जनरेशन थी, तो भी टुडे वी आर सीइंग द कॉन्सिक्वेंसेस सो मच. सो दैट्स व्हाई इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो एवरी टाइम नाउ ड्रॉ दिस डायग्राम एंड रिमेंबर दैट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग हियर, व्हाटएवर आई एम फीलिंग, व्हाटएवर आई एम थिंकिंग, व्हाटएवर आई एम रिमेंबरिंग, मुझे कुछ बातें याद आ रही हैं सडनली, वो बात 1 साल पुरानी हो सकती है, वो बात 10 साल पुरानी हो सकती है, अगर वो यहाँ चल रही है तो आप समझ लो आपका बेबी वो बात सुन रहा है इस टाइम. अब आप देख लो बताने लायक है कि नहीं उसको वो बात. नहीं है तो फिर फटाफट से रुको, स्टॉप करो, चेक करो और उसको चेंज करो. सो एवरीथिंग दैट वी आर कैरिंग हियर, एवरीथिंग दैट दिस इज एवरी टाइम यू हैव टू टेल योरसेल्फ एटलीस्ट 10 times इन अ डे दिस, दैट एवरीथिंग दैट आई एम हियर इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज नॉट विजिबल टू द वर्ल्ड, जो हम यहाँ हैं वो लोगों को दिखता है, लोग भी हमारा यहाँ ध्यान रख लेते हैं, आपकी फैमिली आपके स्पाउस बोलेंगे अरे ये खा लो, आपने खाया नहीं, ये कर लो आपने किया नहीं, अभी पानी पीने का टाइम है, अभी दवा. द वर्ल्ड विल टेक केयर ऑफ यू. सो डॉक्टर्स, स्पाउस, फैमिली, एवरीबडी टेक्स केयर ऑफ व्हाट इज विजिबल. व्हाट इज नॉट विजिबल सिर्फ हमें केयर लेनी पड़ेगी, सिर्फ हमें ही लेना पड़ेगा. उसके लिए हम अपने आसपास के सब लोगों को ये नहीं बोल सकते प्लीज बी परफेक्ट फॉर द नेक्स्ट 9 months बिकॉज आई वॉन्ट टू बी हैप्पी. आप परफेक्ट हो जाओ, ऐसा तो नहीं होगा, वो सब तो इतने परफेक्ट जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन मुझे 9 months के लिए करना पड़ेगा कि मुझे छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं है. इसको आज पक्का कर लेना, मुझे छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं है, क्योंकि इस 9 months में मेरे बेबी की डेस्टिनी लिखी जा रही है, क्योंकि पर्सनैलिटी क्रिएट हो रही है ना, तो डेस्टिनी लिखी जा रही है. सो एवरी सोल कैरीज 5 sets ऑफ संस्कार्स. वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड, टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ. इट्स लाइक अ सीडी व्हिच गॉट 5 folders ऑन इट.
हमारे कंप्यूटर पे फोल्डर्स होते हैं ना, ये वाली फाइल्स, ये वाली फाइल्स, ये वाली फाइल्स. सो फाइव फोल्डर्स, वन फोल्डर विच इज द मोस्ट प्रिडोमिनेंट फोल्डर ऑफ आर लाइफ, इट इज पास्ट बर्थ संस्कार्स. सबसे ज्यादा संस्कार हमारे वो होते हैं जो हम अपने साथ लेकर आते हैं, दैट इज पास्ट बर्थ संस्कार्स. सेकेंड सेट फोल्डर इज फैमिली का संस्कार, पेरेंट्स का संस्कार, जो इस 9 months में क्रिएट होने वाला है. So that folder is completely open for you. Whatever you want to put into that folder is happening right now. Right now. That is the parental influence and the family influence sanskar. Third folder is environment. आपके शहर में रहते हैं, आपका बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा, उसके फ्रेंड्स कौन से होंगे. मीडिया भी एक environment है अब जिसका असर हम पे पड़ता है. Third set of folder of sanskars is environment. Fourth folder. आपने चाहे कोई भी संस्कार दिए हो, वो पास्ट में कोई भी संस्कार लेकर आया हो, विल एनवायरनमेंट से कोई भी संस्कार मिले हो, हम अपनी विल पावर से कोई भी संस्कार चेंज कर सकते हैं. वी कैन चेंज एंड विच मीन्स टुडे यू कैन चेंज एनी संस्कार दैट यू हैव. सो नेवर वरी, माय चाइल्ड इज ऑलरेडी 3 years old, 5 years old, 7 years old, डोंट वरी, संस्कार कैन बी चेंज्ड इवन एट द एज ऑफ 80. संस्कार चेंज करने की कोई एज नहीं होती, क्योंकि संस्कार तो सोल ने चेंज करने, वो कभी भी चेंज कर सकते हैं. बट इस टाइम आपके पास पावर है उनके संस्कार चेंज करने की. 20 साल के बाद उनको खुद खुद के संस्कार चेंज करने पड़ेंगे. सो वी ऑल हैव द पावर टू चेंज आवर ओन संस्कार्स, बट वी डोंट हैव द पावर टू चेंज द अदर पर्सन संस्कार्स. दैट इज हैपनिंग राइट नाउ. 20 years बाद आपका बेबी चाहे वो कोई भी अपना संस्कार चेंज कर सकता है. Will power gives us the strength to change any sanskar, but they will have to change their sanskar. Right now, you are changing their sanskar. So that's the power that you have right now. So fourth folder is willpower ke sanskar. And fifth folder, which is the most important folder for everybody, is the original sanskar of every soul. The original sanskar of every soul. Original संस्कार means जो आत्मा की innate quality होती है. जैसे ये कपड़ा है, इसका innate color white है, white है. लेकिन अब पूरा दिन पहना हुआ है, कभी कहीं बैठ रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो कभी कभी इस पे दाग लग जाता है. लेकिन इसका innate color white है. इसी तरह every soul की innate qualities होती है. And ये जो fifth folder है, ये हर एक के पास है. Everyone has this fifth folder. Is fifth folder mein 7 sanskars hai. And it's very important for you to know that. Because you are going to emerge or you are going to activate these 7 sanskars in your baby in these 9 months. This fifth folder is extremely important. So is 5th folder, jisko hum kahenge original sanskars of every soul, usme jo sabse pehla sanskar hai, wo hai purity. Purity. सेकेंड संस्कार है पीस, शांति. थर्ड संस्कार है सुख, हैप्पीनेस. फोर्थ संस्कार है पावर, शक्ति. फिफ्थ संस्कार है प्यार, प्यार, लव. सिक्स्थ संस्कार है ज्ञान, विजडम. एंड सेवेंथ संस्कार है ब्लिस, आनंद. ये 7 संस्कार पता होना ही बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए पंडित जी कहते हैं सतोगुणी आत्मा. सतोगुणी आत्मा मतलब आत्मा 7 गुणों की बनी हुई है. ये है वो 7 गुण, 7 संस्कार्स. प्योरिटी, पीस, पावर, हैप्पीनेस, लव, नॉलेज, ब्लिस. Every soul has these 7 sanskars. There is no soul who doesn't have these 7 sanskars. Every soul. So now 5 folders, past birth, family, willpower, no, environment, willpower, and original sanskar. Hum sabke paas hai ye 7 sanskars yahan par. But agar hum us 7 sanskars ko use nahi karte, us folder ko kholte nahi hai, तो हमारे ये जो दूसरे संस्कार हैं, एनवायरनमेंट से बने, पेरेंट्स से बने, यही सारा दिन हमारे हर कर्म में आते रहते हैं. सो नाउ लुक एट योर सेल्फ एंड ऑल योर संस्कार्स, उनको फटाफट इन 5 फोल्डर्स में डाल दो. इट्स सो इजी टू पुट इट.
आप अभी अपने 10 संस्कार चूज करो और उनको फटाफट से इन 5 फोल्डर में डाल दो कि कौन से आपके संस्कार, हाँ आपको ये नहीं पता होगा कि पास्ट से कौन से आपके साथ आए हैं, मोस्टली दो संस्कार्स विच वर देयर विद यू फ्रॉम चाइल्डहुड. बचपन से कुछ संस्कार्स होते हैं हमारे पास, जैसे कोई बच्चा बहुत केयरिंग होता है, बचपन से केयरिंग होता है. कोई बच्चा बहुत शेयरिंग होता है, वो बचपन से शेयरिंग होता है. कोई बच्चा बहुत एक्सट्रोवर्ट होता है, बचपन से वो सबके पास जाता है, सबसे बातें करता है. कोई बच्चा बचपन से बहुत इंट्रोवर्ट होता है, शाय होता है. तो जो संस्कार हमारे बचपन से के थे ना, वो हमारा वो पास्ट फोल्डर वाले संस्कार हैं. फिर कुछ संस्कार आपको पता है कि आपको अपने पेरेंट्स या फैमिली से मिले हैं. हम कहते हैं ना, ये आदत इसकी बिल्कुल इनकी तरह है, ये आदत इसकी बिल्कुल इनकी तरह है. दैट इज आवर सेकेंड फोल्डर. थर्ड फोल्डर आपके फ्रेंड्स से, स्कूल से, किस देश में आप रहते हैं, किस शहर में आप रहते हैं, क्या असर आपके ऊपर पड़ा और आपकी कुछ आदतें बदल गई, आपके कुछ संस्कार बदल गए. थर्ड. फोर्थ फोल्डर, आपने एक दिन डिसाइड किया मुझे इस आदत को चेंज करना है, दिस हैबिट इज, दिस संस्कार इज नॉट कंफर्टेबल फॉर मी, एंड यू चेंज्ड योर संस्कार, दैट गोज इन योर फोर्थ फोल्डर, विल पावर. एंड दैट फिफ्थ फोल्डर वी ऑल हैव, दो 7 क्वालिटीज. अब यही 5 फोल्डर्स आपके बेबी के पास हैं, यही 5 फोल्डर्स आपके बेबी के पास ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी हैं. नाउ दिस इज द टाइम दैट इन दैट पेरेंटल फोल्डर जो संस्कार हम अभी डालेंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यूजिंग द पावर ऑफ मेडिटेशन, हम वो जो 5th फोल्डर है उसके संस्कारों को एक्टिवेट कर देंगे. So meditation only does that. So if anybody says, what do we need meditation for? We need meditation to activate those 7 files in our 5th folder. So jab hum meditation mein kehte hain, I am a peaceful soul. Abhi hum hote nahi hain, but hum kehte hain, I am a peaceful soul. I am a divine soul. Kyun hum baar baar keh rahe hain? Ki your angel is divine. Your angel is divine. अब जरूरी नहीं है वो पूरा 100% डिवाइन है, वो लेके आए होंगे अपने पहले वाला ईगो वगैरह संस्कार, लेकिन जब हम बार बार बोलेंगे द एंजल इज डिवाइन, द एंजल इज डिवाइन, द एंजल इज डिवाइन, तो हम कौन सी फाइल को खोल रहे हैं, हम कौन सी फाइल को खोल रहे हैं, वो 5th फोल्डर में पड़ी हुई डिविनिटी की फाइल को खोल रहे हैं. So that is the aim of what we have to do in these 9 months. Keep on repeating those thoughts, those sanskars, so that you activate those 7 files of the 5th folder. If you say every day, my angel is a powerful soul, और फिर उस दिन आप सिर्फ power के बारे में सोचिए कि powerful बच्चा कैसा, powerful, emotionally powerful, कैसा होगा. फिर एक दिन आप लीजिए peaceful soul, शांत है. फिर कई बार ये ना डर लीजिए, ओहो इतना शांत बच्चा करेगा क्या इस दुनिया में, वो मैनेज कैसे करेगा इस दुनिया के अंदर शांति से. ये भी एक कितना बड़ा बिलीफ सिस्टम है, हमें लगता है शांति एक कमजोरी है. वी थिंक पीस इज अ वीकनेस, पीस इज अ स्ट्रेंथ, पीस ऑफ माइंड. लोग आज मन को शांत करने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है, डॉक्टर को जाते हैं, डॉक्टर कुछ भी दे दो मेरे मन को शांत कर दो थोड़ा सा. पीस इज पावर. फिर आप एक दिन लीजिए कि माई एंजल इज अ लवफुल सोल, एंड सारा दिन उससे यही बातें करो, उसका नाम ही उस दिन लवफुल सोल रख दो. हाँ जी लवफुल सोल, आज आपका क्या हाल है, आज आप ठीक हो, आपको कोई पुरानी बात याद तो नहीं आ रही है, आज आपका मन खुश है. उसको एड्रेस ही उसने नाम से करो. वाई नेम इज सच एन इम्पोर्टेंट थिंग, एंड भारत में हम नाम पर बहुत ध्यान रखते हैं. आई एम श्योर आप लोगों ने भी नामों की लिस्ट निकालनी शुरू कर दी होगी, बट भारत की विशेषता देखो ये है, किसी भी बच्चे से आप पूछो, किसी भी बच्चे से इस देश के अंदर आप पूछो, आपका क्या नाम है, एंड जैसे ही वो बच्चा अपना नाम बताता है, हम सबको पता होता है इस नाम के अंदर एक बहुत गहरा मीनिंग है. वी डोंट कीप मीनिंगलेस वर्ड्स एज नेम्स फॉर चिल्ड्रन. उस नाम के पीछे एक बहुत मीनिंग होता है, और वो मीनिंग हमेशा बहुत डिवाइन होता है, बहुत प्रोफाउंड होता है. क्यों नाम का मीनिंग इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द चाइल्ड्स नेम is going to be the most repeated word of that child's life. सबसे ज्यादा उच्चारण होने वाला शब्द उस बच्चे के जीवन में उसका नाम होने वाला है. And that's why that name is always a high vibrational word. A high vibrational word. ताकि हर एक जब उसको देखेगा, हर एक जब उससे बात करेगा, हर एक जब उसको याद भी करेगा,
वो एक हाई वाइब्रेशनल वर्ड क्रिएट करेगा एंड दैट हाई वाइब्रेशनल एनर्जी विल गो टू द चाइल्ड. इसीलिए नाम बहुत ध्यान से रखना चाहिए, क्योंकि वो मीनिंग जो उस नाम का है दैट इज गोइंग टू बी अफर्म्ड मिलियंस ऑफ टाइम इन द लाइफ ऑफ योर चाइल्ड. इसी तरह जो हम शब्द अभी उच्चारण करेंगे वो भी वही संकल्प है जो उस बच्चे के ऊपर अब एक ब्लेसिंग की तरह बन रहे हैं और उसका वो संस्कार एक्टिवेट करेंगे. तो ये 7 संस्कार्स को अच्छे से नोट कर लो एंड हैव अ फर्म फेथ दैट योर बेबी हैज दी 7 संस्कार्स. So do you, so does your spouse, so do your in-laws, everybody has it. Even those people in the world who are creating war, go and ask them, kyun itna yuddh kar rahe ho? Kahenge shanti chahiye, bhi hame, we want peace. Kyunki wo bhool gaye hain ki peace unka apna sanskar hai, to wo shanti dhoond rahe hain. So dunya mein kya ho raha hai? Because we forgot those 7 sanskars in the 5th folder. All our life, we are looking for those 7 sanskars from outside. हम दूर दूर जाते हैं शांति के लिए, हम चीजें खरीदने की कोशिश करते हैं हैप्पीनेस के लिए, हम लोगों से मांगते हैं प्लीज लव मी, हम पोजीशन में पावर ढूंढने की कोशिश करते हैं. सो वी आर लुकिंग फॉर दी 7 एक्सपीरियंसेस. हम ये 7 चीजों का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. व्हाई? बिकॉज दिस इज माय इनेट नेचर. जैसे शरीर हमारा पानी से बना है, हवा से बना हुआ है, जिस टाइम आपको पानी का बैलेंस ठीक नहीं होगा, आपको इमिजिएटली पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, उस टाइम आपको कोई कुछ भी लाके दे दे, बोलो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पानी चाहिए अभी, बिकॉज दिस बॉडी इज मेड ऑफ वॉटर. इफ दैट गोज डाउन देन आई विल जस्ट से आई नीड वॉटर, वॉटर, वॉटर. सिमिलरली द सोल इज मेड ऑफ दीज 7 संस्कार्स एंड वेन दैट लेवल आई के नॉट एक्सपीरियंस देन आई स्टार्ट सेइंग आई वॉन्ट हैप्पीनेस, आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट लव, I want power. It's become I want. And spirituality teaches us not I want, I am. I am peace. I am love. I am power. I am bliss. Now this same vocabulary, if you start using for your child right now in that stage where they are, then you are going to activate those 7 sanskars in their 5th folder. So ye karna hai humne. This is what meditation is going to do. It's going to activate those 7 files of the original folder. तो फिर वो भले अपने past में कोई भी संस्कार लेकर आयो, आपने ये वाला जो activate कर देना है, it is going to overpower everything else. Everything else. Because the innate संस्कार of the child has got activated. Now, most important thing, आपको लगेगा बच्चा तो already अपने कर्म और संस्कार लेकर आया है. लेकिन इस समय का जो प्रभाव है दैट इज गोइंग टू ओवरपावर एनी संस्कार दैट द चाइल्ड हैज कैरीड. तो आज का फर्स्ट होमवर्क, सबसे पहले तो आप लिस्ट बनाएंगे एक कि विच आर द हाई वाइब्रेशनल इमोशंस, विच आर लो वाइब्रेशनल इमोशंस. यू हैव टू कीप दैट लिस्ट विद यू. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू नो दिस इज इमोशनल हेल्थ, दिस इज इमोशनल डिजीज. इसको एक इमोशनल बीमारी कहना चाहिए. वॉट इज डिजीज? डिजीज क्या है? डिस ईज, जब मेरा मन शांत होता है, आई एम एट ईज. अभी कुछ बात आ जाए और मैं कुछ और सोचने लग जाऊं, आई एम डिस ईज, आई शिफ्टेड फ्रॉम माई पोजिशन ऑफ ईज. सो ऑल दीज इमोशंस विच आर नेगेटिव, दे आर एक्चुअली एन इमोशनल डिजीज. ये एक बीमारी है, लेकिन इसका कोई डॉक्टर नहीं है. ये एक इमोशनल बीमारी है, क्योंकि इसका इलाज हमें खुद करना है, लेकिन हमें पता होना बहुत जरूरी है. दिस इज एन इमोशनल डिजीज एंड दिस इज इमोशनल हेल्थ. सो आउट इन द वर्ल्ड दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट EQ, इमोशनल कोशेंट. वो इमोशनल कोशेंट यही है, उसको अभी से डेवलप करना शुरू कर देते हैं. एंड दैट मीन्स एक्टिवेटिंग दो 7 संस्कार्स इन योर चाइल्ड. द चाइल्ड विल बी पावरफुल, स्टेबल इन ऑल सिचुएशंस. The child will be caring, sharing, cooperating with all friends, not jealous, not feeling insecure, not feeling rejected, not dominating, not controlling. ये सारी emotions जो हैं, ये emotional depleted soul की निशानी होती है. लेकिन इन emotions को आज दुनिया ने normal बोल दिया, तो हमें लगता नहीं कि there's anything wrong with that. But this is the things which don't allow people to be happy, खुश नहीं रहने देते. तो इसको यहाँ एक बैटरी की तरह अगर हम देखें, तो ये बैटरी जब चार्ज्ड है वी आर हायर वाइब्रेशनल, जब बैटरी डिप्लीट होती है वी आर लोअर वाइब्रेशनल.
Now, how do I bring myself back to the higher vibrational? That's why when we need to connect to the divine, battery ko charge karne ke liye powerhouse se jodna padta hai. Apne aap se nahi ho pata hai. Koshish karte hain, phir niche khich jate hain. So uske liye hume apne aap ko powerhouse se jodna padta hai. And that is called meditation. Connecting yourself to the supreme power. Main atma hoon, wo param atma hai. वो परम आत्मा है. तो परमात्मा को हम सब याद करते हैं, लेकिन अब मेडिटेशन मतलब परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर उनकी पावर्स मुझे अपने अंदर भरनी है. सिर्फ याद नहीं करना है, उनसे कनेक्शन जोड़कर उनकी पावर्स मुझे अपने अंदर भरनी है. और फिर अपने अंदर भर के अब इस समय बेबी वो जो आत्मा है उसके अंदर भी भरनी है. सो दिस इज द टाइम वेयर इट्स गोइंग टू बेनिफिट टू. वैसे मेडिटेशन करे तो बेनिफिट्स वन, इस टाइम करे तो इट्स गोइंग टू बेनिफिट बोथ, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी एनर्जाइजिंग टू सोल्स राइट नाउ. टू सोल्स, वन इज योरसेल्फ एंड वन इज द एंजल. सो इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट राइट नाउ टू डू एंड लर्न मेडिटेशन. कुछ सिंपल हैबिट्स क्रिएट कर लेते हैं अभी, सिंपल सिंपल लाइफ स्टाइल हैबिट्स, छोटी छोटी छोटी, बहुत ईजी है, हर एक कर सकता है, आज से कर सकता है. We are not talking sanskars, we are talking lifestyle. Lifestyle which will help us to create those sanskars. ठीक है? अब emotional health के लिए जो सबसे important factor है वो है emotional diet. आपकी physical diet doctor बताती है, dietitian बताती है, लेकिन emotional diet emotional health बनाती है. Emotional diet क्या है? What we watch, what we read, what we listen. ये अगर आप अपने आप को दिन में रोज चार बार भी बताओ तो भी कम है, क्योंकि हम इतना ज्यादा वॉच रीड लिसन करते हैं आजकल. What we watch, what we read, what we listen is emotional diet. जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं. अब इस टाइम जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो दोनों जने बनते हैं. So not just you, but also the child. Also the child. So go back to the era of your grandparents, even parents to a large extent. But us time pe log kehte the, Devi Devtaon ke picture lagao saamne, Shri Krishna ji ki photo dekho, to waise wala bachcha aayega ghar pe. To uska meaning kya hota tha? Uska meaning hota tha, aap jo dekhenge, what you are watching, what you are seeing, is who you are becoming. Is who you are becoming. Ab us time pe, you know why emotional health is a priority now? Why now? Because 20 years pehle tak, emotional diet was not a problem. Koi itni problem nahi thi. Agar main apne aap ko dekhu, when I was in school, so we are talking about 30, 35 years back, we did not have TV. मतलब वो फर्स्ट टीवी तब आया था, फिर फर्स्ट लैंडलाइन फोन तब आया था, फिर फर्स्ट ये जो सीरियल शुरू हुए वो सब तब हुए, फिर कंप्यूटर आए, फिर मोबाइल आया, फिर इंटरनेट आया, फिर हमारे पास ये सब आए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए, अब हमारे पास OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए. ये सारी की सारी 10 चीजें हमने इस 30 ईयर्स के अंदर देखी है आती हुई. ओके, सो दैट मीन्स व्हेन आई वाज बॉर्न, so if I go back to when I was born, my mother would have had no TV, no phone, no internet, no social media, no OTT platform. So what was her source of emotional diet? So her source of emotional diet would only be people around her. वो लोग जो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक newspaper जो घर आता है, and अच्छी-अच्छी किताबें, magazines, that's all. That is the source of emotional diet in the era that I was born. Then the era in which you were born. आप में से अगर मेजोरिटी पैदा हुए 25 साल पहले या 30 साल पहले, तब भी ये सारी चीजें नहीं थी. बट ये आपका बेबी जिस ईरा में आ रहा है ना, इसमें ये सारी 20 चीजें हैं. ये सारी 20 चीजें हैं. एंड दैट इज वाई इमोशनल हेल्थ इज अ प्रायोरिटी राइट नाउ. जब इमोशनल डाइट थी नहीं ये सारी चीजें, तो इमोशनल हेल्थ वॉज नॉट अ प्रायोरिटी. वो तो अपने आप ही ठीक ठाक चल रही थी. बट नाउ वी आर फ्लडेड. We are flooded with content. So, सबसे important चीज
Don't worry whether you are already 5 months pregnant, you're already 7 months, 9 months, or your baby is already born. Don't worry. Effect to utna hi hone wala hai abhi pe. Sabse important cheez, restrict content consumption. You cannot change your emotions, you cannot change your sanskars unless you change your content consumption. It's extremely important. Jitna aapki physical diet important hai na, usse bhi zyada shayad emotional diet important hai. Kyunki khane peene mein to hum kha hi lete hai na, theek thak sab kha hi lenge, thoda bahut kam zyada ho jayega, koi baat nahi. Lekin ye emotional diet ka dhyan rakhna hai. So now you have to check, what do I watch, read, listen? So whether it is a TV serial, whether it is a movie, whether it is a song in a movie, whether it is a social media platform, whether it is a forwarded message, or whether it is all this that we're watching on OTT now. The content, be very careful whether it is of a lower vibration or a higher vibration. Take care of the culture that you are consuming from that content. Take care of the vocabulary. Bhasha kya hai us shabdo ki? Kyunki ye jo media hai, ye aapka wo third folder hai, environment. Environment. Environment means everything from outside that influences me. Environment. To jab hum school mein the, to environment sirf yehi tha, friends, school, ye. Ab content, sabse bada environment hai. Sabse bada environment hai. So to protect your child, to protect yourself, please, 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 jitna please bolu utna kam. Please restrict content consumption. Please, if you are consuming, take care of the quality of what you are consuming. In the name of entertainment, in the name of entertainment, do not consume pain. Do not consume sorrow. Do not consume ego. Do not consume lust. Do not consume violence. Do not consume criticism, comparison. That is not entertainment. That is toxic. Wo toxic hai. Man ke liye bhi toxic hai. Body ke liye bhi toxic hai. Aur aapke baby ke liye to bahut toxic hai. That is the reason why we are having so many issues with children. Because their parents were consuming all this kind of content. Their parents did not take care of their emotional health during those 9 months. Their parents are not taking care of their emotional health even while the child is growing up. तो फिर वो बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, बिल्कुल भी गलती नहीं है. उसको डाइट ही वैसी वाली मिली है. जैसे पहले जमाने में बोलते थे माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन बच्चा कहते थे ना, बट खाने ही नहीं मिला ठीक से मदर को, तो माल न्यूट्रिशन. अब इसके लिए पता नहीं क्या वर्ड बोला जाएगा. दिस इज इमोशनली माल न्यूट्रिशन. जंक खिलाया है उस बच्चे को उस 9 महीने में. देखते गए बिंज वॉचिंग. क्या करूं मैं सारा दिन बोर हो रही हूँ, आज 10 एपिसोड देख लिए सारे. स्टॉप. इवन इफ यू हैव सीन इट टिल टुडे, नेवर माइंड, डोंट वरी अबाउट दैट. आज से चेंज कर लो. जैसे ही चेंज करोगे इफेक्ट चेंज हो जाएगा. So don't worry about what happened till yesterday. Think about what we are going to do from now. What we are going to do from now. Hamare zamane mein 18 saal 20 saal ke age tak to aadhe se zyada picture us tarah ki dekhna hi allowed nahi tha. It was so good. We were able to protect the child that till the age of 18, 20, you're not going to watch any such content. Now there's nothing like that. And when the child is in the womb of the mother, they are watching everything. They're watching everything. So this is what we have to focus on, that what is invisible, and that is the effect of emotional diet. The sabse priority, sabse important cheez us bacche ke liye ye hai. Aaj jitne bhi hum parents se baat karte hain, if you talk to parents around you who already have children who are growing up, who have children who are teenagers, if there is one common problem that you will hear from all of them, they are not being able to stop their children from content consumption. Ye inki sabse badi problem hai aaj har parent ki. Problem meaning they're very helpless. Unse ho nahi raha hai wo. Kehte hamare bachche kehna mante nahi hai. They are not being able to stop their children from social media platforms. Ye cheez ne samaj ke upar aise haavi ho gayi hai suddenly.
सडनली हावी हो गई है एकदम से. सो देयर इज ओनली वन वे, अभी से अपना ध्यान रख लो, योर चाइल्ड विल बी टेकन केयर ऑफ. क्योंकि ये तो अभी के सोशल मीडिया और अभी का ओटीटी है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन 10 इयर्स फ्रॉम टुमारो, वी डोंट इवन नो, हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है. तो जितना आप इन चीजों से इस समय दूर रहेंगे, एंड अगर आप उनपे हैं तो देन यू आर गोइंग टू कॉन्शियसली चूज हाई वाइब्रेशनल कॉन्टेंट, हाई वाइब्रेशनल कॉन्टेंट. तो ऐसा नहीं है हम दुनिया से दूर हो जाएंगे, पर दुनिया से हमने हाई वाइब्रेशनल कॉन्टेंट कंज्यूम करना है, बिकॉज दैट इज द इमोशनल डायट ऑफ द चाइल्ड. प्लीज राइट दिस एवरी डे, व्हाट आई वॉच रीड लिसन इज व्हाट आई बिकम, एंड व्हाट आई बिकम is what is becoming the sanskar of the child. Ab entertainment ke naam pe aapne kya consume karna hai, that's going to be your choice. But do not consume anything that is low vibrational. Do not be addicted to screens. You will spend a lifetime trying to de-addict your child from screens. Wo mante hi nahi ab apne parents ki baat. Kyunki they are born with that sanskar. They are born with that sanskar. You see, born, when we are born with that sanskar, it's very difficult to change that. Bahut mehnat lagti hai uske upar. Phir wo unko khud ko change karna hai, but they don't want to change themselves. They feel this is normal. So content consumption is number one priority. Two times of the day sabse powerful hote hain. First in the morning and just before we go to sleep. These two timings have a most powerful impact on the state of mind. First thing in the morning and last thing before we go to sleep. Ab is do time mein, please add high vibrational content into your lifestyle, which means watch, read, listen, divine content first thing in the morning and the last thing before going to sleep. First thing in the morning and the last thing before going to sleep. 15-20 minutes in the morning, 10-15 minutes before going to sleep. Just before going to sleep. क्योंकि सोने से पहले आप जो कंज्यूम करेंगे वो सारी रात काम करता है. It's not 15 minutes, it's next 6-7 hours. वो ही वाइब्रेशन चलेगी आपके माइंड पर, आपकी बॉडी पर, आपके बेबी के माइंड पर, बेबी की बॉडी पर. What you are going to consume just before you go to sleep. ये imagine the difference between watching a movie, listening to the world news, scrolling social media handles, or listening to spiritual content or meditation just before going to sleep. And that's going to change your complete 8 hours of energizing that happens during sleep. Isiliye neend ko bhi yog nidra kaha jata hai, which means sleep is also meditation if we sleep the right way. To ye do times pe isko zarur add kijiye, a healthy emotional diet. 20 minutes in the morning, 10 minutes at least before going to sleep. This is where spirituality plays an extremely important role because it gives us the healthy emotional diet. Dusri cheez, during the day, you are going to restrict. Ki aap kya dekh rahe hain? Even if all your friends are watching something, even if everyone's telling you, oh, you've not watched this, you've not watched this, you've not, just say it's not good for my child. That's why I'm not watching. Simple. Simple baat hai. It's not good. Do not get influenced by peer pressure. If you protect yourself from peer pressure now, आप अपने बच्चे के अंदर वो शक्ति डाल रहे हैं ताकि आगे जाकर वो peer pressure से affect नहीं होगा, because you're putting that संस्कार now. लेकिन आज आप अगर peer pressure को succumb होते हैं, तो फिर 10 साल बाद, 15 साल बाद देखना जब वो आपको बोलेगा, but मेरे सारे friends तो ऐसे बोलते हैं, तब आप उसको बोलेंगे ऐसे थोड़ी होता है, friends करे तो हम भी करें, but by then वो संस्कार चला गया होगा already. वो संस्कार ऑलरेडी चला गया होगा. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट संस्कार विच वी नीड टू पुट इन टू द चाइल्ड इज नॉट टू गेट अफेक्टेड बाय पीयर प्रेशर, नॉट टू गेट अफेक्टेड बाय पब्लिक ओपिनियन, कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं. लोग जो कहते हैं वो उनका संस्कार के हिसाब से कहते हैं. आई हैव टू डिसाइड वॉट इज राइट फॉर मी. सो लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, क्या सही है क्या गलत है, I will not lead my life according to that. इस समय तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते. इस समय majority is right, that is over. That is over. So, peer pressure and लोग क्या कहते हैं, ये संस्कारों पर थोड़ा सा अभी attention रख लें,
उस बच्चे के संस्कार में वो चला जाएगा. दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग विल पावर. विल पावर, मेरी अपनी विल पावर. आई वॉन्ट टू डू दिस, मुझे पता है ये सही है. एंड आई एम नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड बाय व्हाट एवरीबॉडी अराउंड मी इज सेइंग. तो ये संस्कार के साथ अभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. इट विल प्रोटेक्ट द चाइल्ड, प्रोटेक्ट द चाइल्ड. दूसरी चीज, सोने का टाइम सेट कर लीजिए. आपको पता है आजकल के बच्चों को ये भी नहीं पता, जो हम पहले स्कूल में कहा कहते थे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी वाइज, उनको पता ही नहीं है. बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है लाइन. अभी पता नहीं, अच्छा आपको नहीं पता? कहते नहीं सुना है. मतलब सुना है, इट वॉज सच अ, इट वॉज लाइक अ सॉन्ग फॉर अस एवरी टाइम, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज टू कीप सेइंग. उनको पता ही नहीं है. क्यों नहीं पता? क्योंकि आजकल की लाइफ स्टाइल बदली हुई है. बट दैट चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल, where most children now want to stay up in the night and study, when they want to stay up late, when they are going to make Maggie at 12 o'clock and 1 o'clock and 2 o'clock, that is what is creating lot of health issues in the mind and in the body. So early to bed, early to rise makes a person healthy, wealthy, wise. Let's practice it right now. Hum abhi karenge, uske andar sanskar abhi se dal jayega. Abhi se dal jayega. So 10 o'clock is the last thing. 10 o'clock should be deep sleep. Deep sleep, 10 o'clock. 10 to 2 is the highest energizing time for the mind and the body during sleep. Agar hum 10 ki jagah 11 baje sote hain, humne 1 ghanta kho diya. Agar hum 12 baje sote hain, humne 2 ghante kho diye. So 10 to 2, I should be asleep. Don't allow your mind to say, oh, but this. No, no, nothing but. I have to create my lifestyle. I have to change my lifestyle. I'm going to sleep early because sleep has a deep impact on healing. Sleep has a deep impact on emotional and mental health. Ye sare jo issues dikh rahe hai na, a lot to do is with improper sleep. Sone se pehle apna phone apne saath bed mein na leke jaye. We are not going to scroll the phone before going to sleep. No, aapne aadat dal li तो फिर आप देखो फिर बाद में कौन फोन लेके जाएगा उनके साथ अपने बेड में. यू नो दिस हैबिट व्हेन यू विल क्रिएट नाउ, देन 2 years लेटर यू आर गोइंग टू बी टीचिंग योर चाइल्ड, हम ऐसे नहीं सोते, हम जल्दी सोते हैं. हमें वो बच्चा बहुत सहज मानेगा आपके हर बात को, बहुत इजीली लेगा हर चीज को, बिकॉज इट वॉज इन बिल्ट इन द प्रोग्रामिंग राइट नाउ. सो उससे क्या हुआ, बेनिफिट हमारा हो गया एंड फिर बेनिफिट उसका तो बचपन से ही हो गया. इसको कहेंगे बचपन से मिले हुए संस्कार. कई बच्चों के लिए ना ये जल्दी सोता है बच्चा. अच्छा उसको कहते हैं नहीं आज रुक जा, आज पार्टी है. नहीं आंटी मैं तो जल्दी सोता हूँ. कम होते हैं लेकिन मिलते हैं ऐसे बच्चे आज भी, हम तो जल्दी सोता हूँ. तो ऐसे वाला बच्चा बनाना है जो अपने आप से बाय संस्कार जल्दी सोएगा. आपको पूरा जीवन उसको बोलना नहीं है जल्दी सो जल्दी उठो, उसके प्रोग्रामिंग के अंदर है. मतलब इट इज द संस्कार ऑफ दैट चाइल्ड. It is the sanskar of that child. So let's do it now. 1 hour before you sleep, disconnect. Disconnect from any media platforms, which means any low vibrational content. And 15 minutes sone se pehle, you are going to consume high vibrational content. We will learn meditation and we will meditate just before we go to sleep. So which means we take our mind to a high vibrational state and then go to sleep. Duniya mein bilkul iska opposite ho raha hai. कि सोने से पहले न्यूज देख रहे हैं, सोने से पहले सीरियल देख रहे हैं, सोने से पहले लास्ट अपनी ईमेल्स और मैसेजेस देख रहे हैं और फिर सो रहे हैं. सो दे आर एक्चुअली पुटिंग देमसेल्व्स इनटू अ लो वाइब्रेशनल स्टेट एंड देन गोइंग टू स्लीप. इफ यू गो टू स्लीप इन अ लो वाइब्रेशनल स्टेट, दैट मीन्स योर नेक्स्ट 6 hours आर इन अ लो वाइब्रेशनल स्टेट. एंड इफ यू पुट योर सेल्फ इन अ हाई वाइब्रेशनल स्टेट एंड देन गो टू स्लीप, नेक्स्ट 6-7 hours यू आर इन अ हाई वाइब्रेशनल स्टेट. तो वो इन्वेस्टमेंट ऑफ आधा घंटा is actually for the next 6-7 hours. तो वो बहुत crucial time होता है, बहुत crucial time होता है. तो ये phone, laptop, TV, these things have only made our life very comfortable, only provided we use it the right way. We use it the right way. You don't need to check your emails before going to sleep. You don't need to check your messages before going to sleep. A doctor is the only profession who needs to keep checking their phone. In the night, in the middle of the night, first thing in the morning. Apart from that, no profession needs to keep checking their messages and emails in the night. So de-addict yourself from technology and de-addict yourself from content
and you have given the best gift to your child. You have given the best gift to your child. Baki sari cheeze ho jayengi baat. But give this, because the child is going to be surrounded by a world who is addicted to these two things, technology and content. So ye de-addiction abhi karne ki hame zarurat hai. Sara din ke andar aap quality of content ka dhyan rakhenge. Sara din ke andar aap apne high vibrational emotions ko use karenge. Log aapke around alag alag tare behave karenge. Around matlab aapki family members bhi wo ho sakte hain. But you will respond the right way. Anger is an absolutely no-no in these 9 months or 2 years also. Next 2 years also, anger is an absolute no-no because it is a depleter. It's a depleter. So absolutely no-no. So hum har situation mein easy lenge, right emotion se respond karenge. Agar thoda bura bhi lagta hai, apne saath baithenge, apne man ko jaldi se theek karenge. So even if I get hurt, even if I get upset, even if I get angry, I need to take out 5 minutes, sit with myself and change my mood quickly. Ye intezar nahi karna ki koi aur aayega aapka mood theek karne ke liye. Khud baithkar khud ka mood theek karein. Kyunki you can't afford to stay in that low mood for very long. You can't wait ki my husband will come in the evening or my friend will get free from her meeting and main unse baat karungi aur tab main mood theek karungi. Nahi, aap afford hi nahi kar sakte abhi ye. तो इसलिए अपने पास हमेशा एक इमोशनल फर्स्ट एड किट रखना चाहिए. मतलब कुछ ऐसा कंटेंट अपने पास हमेशा होना चाहिए कि मूड खराब हो तो बस फोन उठाया, वो किताब खोल ली, उस मैसेज को खोल लिया, उसको पढ़ लिया, उसको देख लिया, कोई ऐसी बात अंदर आ जाएगी कि मूड ठीक हो जाएगा. बट डोंट अलाउ योर सेल्फ टू स्टे इन अ लो वाइब्रेशनल स्टेट फॉर वेरी लॉन्ग, क्योंकि उतनी देर वो उधर इफेक्ट जा रहा है. उतनी देर इफेक्ट जा रहा है. सो वी आर गोइंग टू एनर्जाइज आवर सेल्फ इन द मॉर्निंग एंड इन द नाइट एंड इन द ड्यूरिंग द डे वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ हाउ वी रिस्पॉन्ड. दुनिया में क्या हो रहा है आजकल वो हमें जानने की जरूरत नहीं है. वो तो आपके स्पाउस आपको 5 मिनट में बता देंगे कि आज दुनिया में क्या क्या हुआ है. फॉर दैट यू डोंट नीड टू वॉच द न्यूज, यू डोंट नीड टू हियर ऑल दोज डिबेट्स, यू डोंट नीड टू हियर दैट स्क्रीमिंग, दैट वोकैबुलरी, दैट विजुअल, दैट इमोशन. नो, don't need to right now, because that's not healthy emotional diet. If you want to know what's happening in the world, just go to printed media, read in 5 minutes what is all the top things that happened and finished. So print media to consume news, not electronic media, not right now, because impact is too deep. Bahut zyada deep impact padta hai aapke upar bhi aur bacche ke upar bhi. So we have to take care. Along with emotional diet, you are taking care of your physical diet. Ab physical diet mein hame kaisa khana khana chahiye? Jaise doctor ne bataya abhi hame, to hamari body alkaline honi chahiye. Simple, ye hame pata hai ki hamari body alkaline honi chahiye. We want an alkaline diet. To phir alkaline diet kaisi hoti hai? Alkaline diet is a light diet. A light diet, an easy to digest diet. सो एक्सपेरिमेंट, इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना है. जरूरी नहीं है आपको उसको अडॉप्ट करना है, बट आपको सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स एक्सपेरिमेंट विद अ प्लांट बेस्ड डाइट, विच मीन्स अ वेजिटेरियन डाइट. 3 महीने के लिए करके देखना है. आपको 3 महीने के अंदर नहीं, उससे पहले ही बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, नॉट जस्ट इन योर माइंड बट ऑल्सो ऑन योर बॉडी. And also, of course, the mind and the body which is getting created in your body. Because it is a high vibrational diet. It's a light diet. It's an alkaline diet. It's an easy to digest diet. It's a vegetarian diet. Ab hamare aaspaas ki information hame kehti hai, nahi, usme taakat nahi hoti hai. Animal diet mein taakat hoti hai. Usme proteins hoti hai. Bahut sare bacche hain जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे पेरेंट्स को पैदा हुए हैं जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हैं. वो सारे बच्चे बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ को नहीं, हम फिजिकल हेल्थ के साथ साथ इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखने वाले हैं. सो आप 5 मिनट के लिए ऑनलाइन जाइएगा एंड जस्ट एंटर करिएगा वीडियो ऑफ अ स्लॉटर हाउस और उस वीडियो को देख लीजिएगा. और वो वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड करिएगा कि ऐसी वाइब्रेशन देनी है बेबी को,
ऐसा चीखना चिल्लाना दर्द गुस्सा वायलेंस डेथ ये एनर्जी देनी है बच्चे को. थिंक अबाउट इट. सो एक्सपेरिमेंट विद अ वेजिटेरियन डाइट एंड योर बेबी इज एक्चुअली गोइंग टू टेक यू टुवर्ड्स अ वेजिटेरियन लाइफस्टाइल. इसीलिए आज हम यहाँ हैं, इसीलिए यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट इट. सेकेंड, एज फार एज पॉसिबल हैव होम कुक्ड फूड. हैव होम कुक्ड फूड. मैंने देखा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं कि कोई अगर आता है तो कहते ओ हो ऐसे हाथ नहीं लगाओ हमारे बच्चे को, पहले आप सैनिटाइज करो, पहले आप ये करो, अपने बच्चे को किसी को उठाने नहीं देते, बहुत ध्यान रखते हैं, विच इज गुड, अच्छी बात है. दैट इज विजिबल इन्फेक्शन. बट देर इज एन इनविजिबल इन्फेक्शन दैट हैपन्स एंड दैट हैपन्स थ्रू द फूड, थ्रू द फूड. एंड द इनविजिबल इन्फेक्शन इज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पर्सन हु हैज कुक्ड द फूड. खाना जो बनाएगा, जो खाना बनाएगा उसकी स्टेट ऑफ माइंड उस खाने के थ्रू खाने वालों तक पहुंच जाती है, खाने वालों तक पहुंच जाती है. सो व्हेन यू ईट आउट यू हैव नो आइडिया हु हैज कुक्ड द फूड फॉर यू. आपको ये नहीं पता है कि बनाने वाले की स्टेट ऑफ माइंड क्या थी. क्या वो आज परेशान थे, क्या आज वो दुखी थे, क्या आज वो एंग्री थे, क्या वो बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं अपनी लाइफ में, क्या वो बहुत ईगोइस्टिक है. आपको कुछ नहीं पता है कौन है वो खाना बनाने वाला, पर आपने ऐसे ही खा लिया, आपने उनके संस्कार और उस दिन की उनकी स्टेट ऑफ माइंड कंज्यूम कर दिया. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इफ ड्यूरिंग दीज 9 months यू ईट होम कुक्ड फूड एज फार एज पॉसिबल, देन ऑल योर लाइफ यू वोंट हैव टू कीप टेलिंग योर चाइल्ड डोंट ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड, लेट्स कुक एट होम. उसको आदत ही घर के खाने की पड़ जाएगी, उसको आदत है, उसको अच्छा ही घर का खाना लगेगा सिर्फ, क्योंकि उसने गर्भ में सिर्फ घर का खाना खाया होगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ घर का खाना खाया होगा. सो घर का खाना दे और घर का खाना भी प्रसाद की तरह बनाए, सिर्फ खाना ना बनाए, प्रसाद की तरह बनाए. तो अपने किचन के अंदर आज कोई एक सिस्टम रख दें, एक फोन या एक म्यूजिक सिस्टम, जिसमें हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स पूरा दिन चलें जब खाना बन रहा है, जैसे मंदिर गुरुद्वारे में बनता है, प्रार्थना भजन स्पिरिचुअल सॉन्ग्स पूरा टाइम चलें किचन के अंदर. लेट हाई एनर्जी वर्ड्स कीप गोइंग इनटू द फूड, कीप गोइंग इनटू द वाटर इन योर किचन. देन व्हाट यू विल बी ईटिंग विल बी प्रसाद. द वाटर दैट यू विल बी ड्रिंकिंग विल बी अमृत. और प्रसाद और अमृत लेंगे तो सोचो क्या वाइब्रेशंस और क्या एनर्जी आपके बच्चे को मिलने वाली है. और यही आप बाहर से ऑर्डर करके कुछ खाएंगे तो कौन सी वाइब्रेशंस मिलने वाली है. ये तो चॉइस है ना, हमें क्या करना है, ये तो चॉइस है. तो बहुत ध्यान रखना है कि घर का खाना खाएं, उसको इस तरह से हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स के साथ बनाएं. एंड फिर खाने के टाइम कोई फोन और टीवी ऑन नहीं होना चाहिए, एब्सोल्युटली अ नो नो फ्रॉम नाउ ऑन. ताकि फिर बाद में भी जब आप बच्चे को खाना खिलाना शुरू करते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू यूज फोन एंड टीवी. अपने आसपास के पेरेंट्स से सीख लें, जिनके बच्चे अभी थोड़े बड़े हो रहे हैं, कहते हमारा बच्चा तो फोन और टीवी के बिना खाना नहीं खाता है. दे हैव एक्सेप्टेड दैट कि वो खाना नहीं खाता है. सो दैट शुड नॉट हैपन. दैट इज डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग. वी वॉन्ट टू गिव माइंडफुल ईटिंग, मेडिटेटिव ईटिंग, एनर्जाइज फूड. अभी से संस्कार डालें, चाहे कुछ भी हो जाए, खाना खाते समय फोन टीवी नहीं होना चाहिए, नो स्क्रीन्स. कितनी देर लगती है खाना खाने में? 10-15 मिनट, 10-15 मिनट. क्योंकि जो आप देख रहे हैं वो सारे शब्द खाने में चले जाएंगे, सारे शब्द खाने में चले जाएंगे. एंड वो सारी इमोशंस आपकी स्टेट ऑफ माइंड बन जाएंगी. क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी. सो अन्न और पानी का बहुत ध्यान रखना है. सो जो अफर्मेशंस आपको आज मिलेंगे, वो अफर्मेशंस आपने करने हैं सुबह सबसे पहले उठते ही. रिपीट दोज थॉट्स. व्हाट आर दोज थॉट्स? आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ हैप्पी सोल. सेम फॉर योर एंजल. प्योर सोल, पावरफुल सोल, हैप्पी सोल, परफेक्ट हेल्दी बॉडी, एंजल ऑफ गॉड. ये कुछ संकल्प हैं जिनको हम बार बार रिपीट करेंगे, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है. थॉट्स मैनिफेस्ट एंड बिकम अ रियलिटी. सो फर्स्ट थिंग वी विल बी सेइंग देम इन द मॉर्निंग.
सेकेंड थिंग वी विल बी सेइंग देम जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप. चार पांच दिन के अंदर आपको वो याद हो गए होंगे. सो यू से देम टू थ्री टाइम्स इन द मॉर्निंग. Say them at least twice before you go to sleep. Say it before every meal. अपने खाने को देखें और उसके अंदर बोलें, I'm a powerful soul, I'm a peaceful soul, I'm a happy soul. My body is perfect healthy. Repeat all the same for the baby. Put it into the food. फिर जैसा अन्न वैसा मन हो जाएगा. So then the food that you will be eating is not just a physical high nutrition diet, but an emotional high vibrational diet. तो खाना बिल्कुल नहीं खाना है अफर्मेशन बोलने से पहले. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग सुबह बोल लेते हैं, रात को बोल लेते हैं, लेकिन खाना खाने के टाइम नहीं रुकते हैं. खाना नहीं खाना है बोले ये बिना, क्योंकि सब्जी जहां से आ रही है वो किसान की स्टेट ऑफ माइंड क्या है, फिर वो मार्केट की स्टेट ऑफ माइंड क्या है, फिर बनाने वाले की स्टेट ऑफ माइंड क्या है, वो सारी एनर्जी है उस खाने के अंदर. Just pause and put your vibrations into the food. And then invest 5 seconds more and say your affirmations before your every glass of water. Every glass of water. Because pani ke andar kaun si vibration hoti hai? The vibration of the city. Shahar ki jo energy, wo pani ki energy. Isliye dunya bhi kehti hai, kaun se shahar ka pani peete ho? Kaun se shahar ka pani peete ho? Kaun se ghar ka namak khate ho? Which means, जिस शहर का आप पानी पीते हैं, जिस घर का आप नमक खाते हैं, वहां के संस्कार आपके बन जाते हैं. तो we have the sanskars of the city in the water. Don't consume the water like this. It's not safe. It's not hygienic emotionally. Pause for 3 seconds, look into the water and say, I'm powerful soul, I'm happy, I'm pure, my body is perfect, healthy. अपने चार पांच बोल दो, अब पियो. 5 सेकेंड, 3 सेकेंड की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन रिजल्ट बहुत बड़ा है. यू आर एक्चुअली रिमूविंग ऑल इमोशनल इन्फेक्शंस फ्रॉम योर लाइफ, ऑल इमोशनल इन्फेक्शंस. सो सुबह 2 मिनट करेंगे अफर्मेशंस, रात को सोने से पहले 2 मिनट करेंगे, हर खाने से पहले 5 सेकेंड करेंगे, हर पानी से पहले 3 से 5 सेकेंड करेंगे, तो भी सब कुछ मिला के 5-6 मिनट ही बनता है सिर्फ. है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. इफ यू लुक एट इट टाइम वाइज इट इज नथिंग. It's only about a discipline. Do you say the affirmations in the mind or aloud? Whatever is comfortable to you. Say it in the mind, because everywhere you can't say it loudly. You can be in office, you can be in a train, you can be in a party. You have to say it everywhere. Especially when you're outside the house, to bilkul hi nahi khana without saying your affirmation. Aap party mein pata nahi kitni energies hain us party ke andar. लोग कहते हैं ना, ओ मेरे बच्चे को नजर लग गई. कोई नजर नहीं लग सकती अगर हम ठीक वाली नजर डाल दें उसके ऊपर. अगर हम उसको हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के सर्कल से कर दें, किसी की एनर्जी नहीं लग सकती है किसी को भी. वी हैव टू एनर्जाइज. सो डोंट लुक एट दूसरों की एनर्जी क्या है, हमारी एनर्जी क्या है. सो मेक दिस अ संस्कार नाउ. एंड यू नो वॉट, आपका छोटा सा बच्चा 3-4 साल की एज का जब वो बोलना शुरू कर देगा ना, तब से आप उसको ये अफर्मेशन सिखा देना और वो देखना कितनी नेचुरली डालेगा, अपनी भाषा में डालेगा. आई एम हैप्पी, बस वो उतना डाल दे, एक थॉट डाल दे सिर्फ खाना खाने से पहले. द चाइल्ड इज सेफ फॉर अ लाइफ टाइम, सेफ फॉर अ लाइफ टाइम. एंड वी सी अ लॉट ऑफ लिटिल चिल्ड्रेन, वो डाइनिंग टेबल पे अपने मम्मी पापा को याद दिलाते हैं, हमने खाना खाने से पहले वो डाला क्यों नहीं. वी हैव टू स्टॉप एंड डालना है पहले वो हमें. That is how easy it is to give a sanskar to a child. बड़े भूल जाते हैं, बच्चे नहीं भूलते हैं, बच्चे नहीं भूलते हैं. वो वन वर्ड भी डाल देना तो उनका वो अफर्मेशन काम करेगा उनके ऊपर. बिकॉज यू विल पुट दिस अफर्मेशन वेन यू ईट, वेन यू ड्रिंक योर वॉटर, मिल्क, टी और कॉफी. यू विल पुट दीज अफर्मेशन वेन यू आर फीडिंग योर बेबी. ये नहीं है कि यू आर फीडिंग योर बेबी एंड होल्डिंग द फोन इन योर अदर हैंड एंड वॉचिंग समथिंग एल्स. नेवर एवर डू दैट. Or you're watching the TV going on over there across you. Never ever. That is the time to put high vibrational words to the child. Us time Parmatma ko yaad karo, Parmatma ki yaad ke geet chala ke rakho apne aas paas, aur fir wo high vibrational words dalo. That is nourishment for a child. To wo jo purane zamana hum kehte hai na, grandparents, tab ye natural hua karta tha kyunki unke paas phone TV nahi hota tha. Wo bhagwan ko yaad karte hue, mantra bolte hue, bhajan bolte hue bachcho ko feed karte the. To hame wohi karna hai. We
have to take science of the present time, spiritual principles of our grandparents' era, and that's where you will create a miracle in your life. They had the emotional principles. They did not have physical health principles. We have physical health benefits and emotional health principles. We can create miracles. We can create miracles in our child. So, itni choti choti cheeze. Ye to ek journey hai. It starts from now. So, isko choti choti steps ko le lo. छोटे छोटे स्टेप्स करने शुरू कर दो. बहुत इजी हैं, बहुत नेचुरल हैं, और ये हमारी लाइफस्टाइल बन रहे हैं. ये हमें भी चेंज कर देंगे. और ये आप चेंज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपका बेबी लेकर आया ये डेस्टिनी. कुछ दिन पहले हमारे पास एक कपल आया सेंटर पे. उनकी डॉटर आई थिंक 5-6 साल की है. एंड दे वर शेयरिंग, दे आर ऑल्सो डॉक्टर्स बोथ ऑफ देम, एंड दे सेड अर्लियर वी वर अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन. स्पिरिचुअलिटी तो हमें पता ही नहीं था और हमें इंटरेस्ट भी नहीं था बिल्कुल भी. वी डिडंट इवन नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल. ही सेड बट देन अ डॉक्टर वाज सेइंग, ही सेड बट व्हेन माय वाइफ कंसीव्ड आफ्टर दैट वी डोंट नो व्हाट हैपेंड टू अस. हम अपने आप ही खींचे चले गए ऐसी जगहों की तरफ. हम अपने आप ही वेजिटेरियन हो गए. मैंने अल्कोहल छोड़ दिया. मैंने सब कुछ. दे आर अ कम्प्लीटली डिफरेंट कपल. एंड नाउ ही सेज इवन नाउ व्हेन द डॉटर इज 5 years old और 6 years old, ही सेड हम कहीं भी जाते हैं ना तो शी सेज डोंट गो मुझे छोड़ के मत जाओ. बट इफ वी आर गोइंग टू अ स्पिरिचुअल प्लेस शी सेज आप जाओ. दिस इज अ चाइल्ड. अब ये क्यों बच्चा ऐसा बोल रहा है? क्योंकि ये बच्चा वैसे संस्कार लेकर आया है और वो लाकर आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर आ रहा है. आपको लगेगा आप उसको लेकर आ रहे हो बट एक्चुअली वो आपको लेकर आ रहा है. इट्स जस्ट दैट वी हैव टू नर्चर व्हाट द चाइल्ड इज कमिंग विद. हम उसको ऑपोजिट नहीं दे सकते हैं. तो इसलिए मेडिटेशन को सीखिए, उसको प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. तो उससे फिर आपके बेबी का कनेक्ट सिर्फ आपके साथ नहीं बनेगा, आपके बेबी का अभी से कनेक्ट परमात्मा के साथ भी बन जाएगा. और जिसका कनेक्ट परमात्मा के साथ बन जाएगा उसको फिर इस जीवन में किसी बात का डर नहीं लगता. सेफ होता है, सिक्योर होता है. तो आपको आज अफर्मेशंस मिलेंगे. आप उनको यूज कीजिए, हर रोज यूज कीजिए. आपको अगर जरूरत लगे आप उसमें अपनी भी एक दो ऐड कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट संस्कार यू वांट टू चेंज. द लैंग्वेज ऑफ अफर्मेशन इज व्हाटएवर यू वांट टू क्रिएट योर डेस्टिनी यू हैव टू राइट आई एम. सपोज आप ज्यादातर देर से पहुंचते हो कहीं तो पुट अ संस्कार, आई एम ऑलवेज पंक्चुअल. That is how you write affirmations. I'm always punctual. I sleep early always. Aisa. So, aise affirmations dal denge. Can these affirmations be told to a baby when she's sleeping? Oh, it'll affect even more. Isiliye agar aap dekho, chote bachchon ke saath parents kya karte hain? Unke bedside pe jaakar, unke sir pe aise haath karte rehte hain. Iska malum pata hai matlab kya hai? Uske sir par aise haath karte rehenge bachche ke. और आप जो बोलते जाएंगे इट्स गोइंग डायरेक्टली इनसाइड व्हेन द चाइल्ड इज स्लीपिंग. जब कोई सो रहा हो इट्स अ वेरी पावरफुल टाइम टू ओवर पावर देम विद योर एनर्जी एंड वाइब्रेशन. सो इट कैन बी डन एनी टाइम. सो मेडिटेशन बी फॉर ऑल ऑफ यू हु स्टे इन गुड़गांव, यू कैन कम ओवर टू द सेंटर टू लर्न द मेडिटेशन एनी डे एनी टाइम. आपको एक नंबर अभी दिया जाएगा, आप उस नंबर पे फोन करिए या व्हाट्सएप कीजिए और ये करके फिर आप अपना टाइम फिक्स कीजिए और मेडिटेशन सीखने आइए. विच वुड बी अबाउट 5 days, अबाउट 1 hour एवरी डे. अबाउट 5 days, 1 hour एवरी डे. बट यू कैन चूज योर डे एंड टाइम. इट्स गुड इफ यू कम विद योर स्पाउस. इफ योर स्पाउस इज अनएबल टू कम यू कैन कम विद एनी फैमिली मेंबर. एल्स कम अलोन, यू एंड योर बेबी. आप दोनों जने आ जाइए. तो अगर आप गुड़गांव में रहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं. आप जहां भी रहते हैं, विच एवर सिटी विच एवर टाउन, देर इज अ राजयोगा मेडिटेशन सेंटर ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज वेयर एवर यू आर स्टेइंग. अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, वॉक इन टू द सेंटर और कॉल द सेंटर, फिक्स योर टाइम, लर्न द मेडिटेशन. इन केस यू आर अनएबल टू गो टू द सेंटर देन वी विल डू द कोर्स ऑनलाइन एंड सो दैट नंबर विल ऑल्सो बी गिवन टू यू. सो जस्ट मैसेज ऑन दैट नंबर. And the next time they do that online course, which would be in probably 20 days or 1 month, probably maybe 1 month at least, because there's a course going on right now. So is number ko, in fact, is poster ko screenshot karke rakh lijiye. And is pe number diya hua?
यदि नीचे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना? हाँ जी, हाँ जी, I could not see it. ठीक है, नीचे है. तो इस नंबर पे आप गुड़गांव के सेंटर के लिए भी फोन कर सकते हैं, इस नंबर पे आप ऑनलाइन कोर्स के लिए फोन कर सकते हैं. अगर आपको अपने शहर का एड्रेस चाहिए तो भी आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं. दे विल मैसेज करिएगा व्हाट्सएप एंड द सिस्टर विल डेफिनेटली सेंड यू द एड्रेस एंड द फोन नंबर ऑफ द सेंटर इन योर सिटी. एंड आप वहां पे फोन करके आपके सिटी में, आपके एरिया में सबसे नजदीक कौन सा है वो भी पता कर सकते हो. दो ऑल ऑफ दैट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट ऑल्सो ऑन द वेबसाइट. लेकिन ये थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर लीजिए. It's going to give you nothing less than a miracle, actually. Nothing less than a miracle. It creates calm and stability. Calm and stability. Something that everybody is looking for. Lekin karne ka time abhi hai. Khud ke liye karna hai. And unko to sanskar ready-made wo wale dene hai. To wo number sabne copy kar liya. Affirmations bhi de di, Dr. Nitika. हाँ जी दीदी, मेल पे सबको भेजेंगे. वैसे अभी पोस्टर भी लगा देते हैं, बट ये लोग आई विल सेंड इट टू एवरीवन. सो वी कैन सेंड इट ऑन ईमेल, व्हाट्सएप, एवरीथिंग. उस पे वो वाले अफर्मेशंस आ जाएंगे एंड वो हम करना फिर शुरू कर देते हैं. सो यू वांट टू डू क्वेश्चंस फर्स्ट? हाँ जी दीदी, हमारे साथ दीदी हमारे कुछ कुछ डॉक्टर्स भी हैं, तो सबके लिए आपको सुनना, बिकॉज फॉर अस ऑल ऑफ अस आल्सो इट्स वेरी एनर्जाइजिंग. क्योंकि दिस एनर्जी वर्क्स एंड हमारे अपने वर्क एरिया में भी इट रियली क्रिएट्स मिरेकल्स. बिकॉज़ इफ द पेशेंट इज आल्सो सो एम्पावर्ड, तो कई बार वो भी हमें एनर्जी दे देते कि मैम ठीक है सब, आप करो ट्राई, थोड़ा बहुत उठा लेंगे हम रिस्क. जब हम बार बार वी यूज दिस वर्ड रिस्क, नो थोड़ा सा रिस्क, कहते नहीं मैम वी आर ऑल प्रोटेक्टेड, एवरीथिंग इज फाइन. दैट कॉन्फिडेंस समटाइम्स इवन फॉर अ डॉक्टर, if you are getting it from our parents, that's very important. Absolutely. बहुत अच्छा है ये मैम. दीदी एक क्वेश्चन था कि if the soul already has a personality, जैसे आपने बोला, तो so how can we mold? That is why आपने आंसर तो किया इसको, बट उसके बाद भी फिर वो क्वेश्चन. Everyone comes with a personality ना. अगर हम अपने आप को भी देख लें तो हमारी भी तो एक पर्सनालिटी है ना. लेकिन अब जब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं, स्पिरिचुअल स्टडी शुरू करते हैं, तो हमारी पर्सनालिटी चेंज होने लगती है, हमारी नेचर चेंज होने लगती है. इस टाइम की पावर ये है कि यू आर एबल टू इन्फ्लुएंस द पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड. दैट्स व्हाई आई सेड द चाइल्ड ऑलवेज हैज द पावर टू चेंज देयर पर्सनालिटी लाइक एनी इंडिविजुअल. टुडे वी आर चेंजिंग आवर पर्सनालिटी एट द एज ऑफ 50. देयर आर पीपल हु आर चेंजिंग देयर पर्सनालिटी एट द एज ऑफ 80 ऑल्सो. तो जब जिसका मन करे वो अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर सकता है, वो अपनी नेचर को चेंज कर सकता है, अपने संस्कार को चेंज कर सकता है. इस टाइम का, विच मीन्स टिल द चाइल्ड इज 2-3 इयर्स ओल्ड, इस टाइम की पावर ये है कि यू कैन इन्फ्लुएंस द पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड. उसके बाद द चाइल्ड विल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट चाइल्ड्स पर्सनालिटी इफ दे वांट टू चेंज. ऑफकोर्स पेरेंट्स इन्फ्लुएंस ऑन द चाइल्ड इज लाइफ लॉन्ग, इसमें कोई डाउट नहीं है. इवन आपके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, अगर आप अपने अंदर कुछ चेंज लाते हैं, अपने घर के एनवायरनमेंट को प्योर डिवाइन बनाते हैं, आपके बच्चों के ऊपर वो असर पड़ता है. लेकिन वो उसको कितना उस असर को लेते हैं, दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन देम. बट राइट नाउ इज द टाइम वेयर योर इफेक्ट इज डायरेक्ट. सो यस, दे हैव कम विद द पर्सनालिटी. देयर इज नो चाइल्ड हैज कम इनटू योर वूम विदाउट अ पर्सनालिटी. सब अपनी पर्सनालिटी, कर्म, संस्कार, कार्मिक अकाउंट. इसीलिए तो जिस दिन आपका बच्चा पैदा होगा, शायद आपका परिवार वो पंडित जी को देंगे डेट एंड टाइम और आपको जन्म पत्री मिल जाएगी. उसी दिन मिलती है वो डेस्टिनी चार्ट, वो बर्थ चार्ट. क्यों मिलता है उस दिन वो जन्म पत्री, कैसे बनती है? एंड बी वेरी केयरफुल, डोंट पैनिक विद दैट जन्म पत्री एवर, प्लीज. दैट ऑल्सो क्रिएट्स अननेसेसरी स्ट्रेस इन द लाइफ ऑफ अ पेरेंट एंड इन द लाइफ ऑफ द चाइल्ड. वो जन्म पत्री इज लाइक 1st April ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. एंड वो 1st April की बैलेंस शीट कैसे बनती है? उस बच्चे का जो लास्ट मिनट था अपनी पुरानी कॉस्ट्यूम में, दैट वॉज द 31st March, द क्लोजिंग बैलेंस शीट. अब अपने आप को मैं अगर ले लूं, तो इस कॉस्ट्यूम के अंदर मैंने बहुत सारे अच्छे कर्म किए हैं, मैंने कुछ गलत कर्म किए हैं, मेरे कुछ संस्कार अच्छे हैं, मेरे कुछ संस्कार नेगेटिव हैं. आई एम अ बंडल ऑफ ऑल दिस हियर राइट नाउ, राइट? सो आई एम गोइंग टू लीव दिस कॉस्ट्यूम एंड आई विल एंटर द वूम्ब ऑफ अ मदर. 9 months later, a janam patri is gone. That janam patri cannot be perfect. Usme kuch kuch achhi cheeze hongi,
कुछ कुछ थोड़ी सी, हाँ थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा ये है, दैट्स ओके, डोंट पैनिक. ओ हो, मेरे बच्चे के भाग्य में ये लिखा है, ये लिखा है. नो, दैट इज ओनली द फर्स्ट अप्रैल, द ओपनिंग बैलेंस शीट. Business now starts, which means now the karma of that child, now the sanskar of that child. तो वो जन्मपत्री देख के कभी घबराना नहीं. Actually तो बनवा के चुपचाप रख ही देना, उसमें चेक ही मत करो क्या लिखा हुआ है. सेफ्टी तो उसी में सेफ्टी है. अगर बनवाना है तो बनवाओ और चुपचाप रख दो, और सिर्फ एक ही थॉट क्रिएट करो, सब परफेक्ट है, सब अच्छा है, सारे कर्म बहुत अच्छे हैं. अननेसेसरी इंफॉर्मेशन गोइंग इन साइड, इन्फॉर्मेशन. नहीं जी, आपके बच्चे के साथ 10 साल की एज में ये होगा, 20 साल में ये होने वाला है, ये 5 साल बहुत भारी हैं. वो भारी और हल्के की कोई डेफिनेशन नहीं है. जैसे हमारे संस्कार होंगे उतना ही भारी और हल्की हमें सिचुएशन लगेगी, लेकिन जन्मपत्री में वो लिखा हुआ आ जाएंगी सारी चीजें. सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ, दे आर ऑल साइंसेस, बट द साइंस ऑफ द माइंड इज मोर पावरफुल देन ऑल दीज साइंसेस. तो अगर हम संस्कार और कर्म पे करते हैं काम, तो हम जन्मपत्री में लिखी हुई कोई भी प्रेडिक्शन को चेंज कर सकते हैं. एंड हमें पता अगर होती है तो हम पहले से घबराने लग जाते हैं, ये है ये है ये भारी है, वो नथिंग. इफ द बर्थ चार्ट हैज टू बी मेड, इट कैन बी मेड एंड केप्ट अवे सेफली इन द लॉकर टू बी यूज्ड इफ एवर नीडेड इन लाइफ टाइम. कई बार तो बिल्कुल यूज ही नहीं होता. मैंने तो 50 साल में अपना देखा नहीं है कि क्या लिखा हुआ है उसके अंदर. पड़ी हुई है लेकिन मेरे पास, आई हैव इट but I don't know what's written in it. I don't know what's written in it. And I'm sure all this that I'm doing is not written in it. That I know. It's not written. Otherwise, my parents would have told me long back. They didn't say anything of that sort. So I know that we create our destiny on this journey of our life. But when we get the information too early, we start moving according to that information that we hear, which we don't need to do. So, but the child is coming with that karmic account, not to worry. The power lies in the present. पास्ट के कैसे भी कार्मिक अकाउंट हो, आपके प्रेजेंट कर्म और संस्कार आपकी डेस्टिनी को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं, पूरी तरह से. सो द पावर इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट कर्म. दीदी एक और था कि इमोशनल डाइट की किट, फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए. वो आपको बोला कि एक आप वीडियो बना देना कि सारे प्रेग्नेंट लोगों के लिए क्या इमोशनल डाइट. ना ना, इट्स नॉट अबाउट प्रेग्नेंट, इट्स फॉर एन इमोशनल डाइट किट. मतलब इट्स गुड कंटेंट आई शुड हैव विद मी, ईदर अ बुक और अ मेडिटेशन कमेंट्री और अ वीडियो और एन ऑडियो पॉडकास्ट. समथिंग शुड बी देयर विद मी कि जैसे मेरा मूड अगर थोड़ा सा लो हो और मैं उसको जल्दी ठीक ना कर पाऊँ. दिस इज नॉट नेसेसरी ओनली नाउ, दिस इज फॉर एवर. आप उसको उठाए बुक को, आप कोई भी पेज ऐसा खोलिए. इट डज नॉट हैव टू बी अबाउट द प्रॉब्लम दैट यू आर गोइंग थ्रू, इट जस्ट हैज टू बी समथिंग हाई न्यूट्रिशनल. जैसे कोई बहुत कमजोर हो रहा हो, उसको कमजोरी लग रही हो, तो उसको बिठाते हैं, बोलते हैं आप 2 बिस्किट खा लो, आप 2 खजूर खा लो, आपको ताकत मिल जाएगी. ये ताकत चाहिए हमें. तो वी ऑलवेज कीप समथिंग विद अस, ईदर अ बुक और वीडियोस और ऑडियो और मेडिटेशन कमेंट्रीज, कि थोड़ा भी मन हो उठाओ, पढ़ना शुरू कर दो, सुनना शुरू कर दो, ताकत मिल जाएगी, वो बात के आंसर मिल जाएगा. दैट्स ऑल. विच मीन्स डोंट अलाउ योर सेल्फ टू स्पेंड 1 आवर इन दैट नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड. इमिजिएटली कंज्यूम कर लो कुछ और जल्दी से ठीक कर दो. तो वो कुछ भी हो सकता है, इट्स नथिंग स्पेसिफिक, एनीथिंग एट ऑल व्हिच हैज हाई वाइब्रेशनल कंटेंट. बिल्कुल, तो यही है. ये आई थिंक वो कंफ्यूज हो रहे थे तो मैंने कहा कि एक बार पूछ लेते हैं. इमोशनल फर्स्ट एड किट मींस आपके पास हैंडी कुछ होना चाहिए. यू शुड हैव इट हैंडी विद यू. योर फोन शुड हैव दैट कंटेंट, योर पर्स शुड हैव दैट बुक व्हिचएवर यू आर रीडिंग, सो दैट यू कैन जस्ट ओपन इट एंड जस्ट स्टार्ट रीडिंग एंड दे विल गिव यू सम वर्ड्स व्हिच विल देन shift you from what you were thinking to a new way of thinking. Dr. Jaydeep, आपको दीदी हेलो बोल रहे हैं सारे लोग. डॉक्टर रूपम, डॉक्टर मधु, सब लोग आए हुए हैं कुछ कुछ, बिकॉज हम आपसे भी सब रोज नया नया चीज सीखते हैं, सो दैट वी कैन काउंसिल आवर पेशेंट्स एंड क्रिएट दैट ब्यूटीफुल बॉन्डिंग. It's everything. हम सब जानते हैं सारी बातों को. Everybody knows. Our doctors know because they are also parents. All of you know. Your parents tell you about it.
इट्स जस्ट दैट व्हेन वी कम कलेक्टिवली टुगेदर ना, तो हमारी एक कलेक्टिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है, तो वो सारी बातें थोड़ी सी रीअफर्म हो जाती है, वो हमारी फिर से रिवाइज हो जाती है. कुछ भी नया नहीं किया हमने आज, नथिंग न्यू. हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ पता है. आपके पेरेंट्स आपको बताते होंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको बताते होंगे, लेकिन कई बार हमारे आसपास के इन्फ्लुएंस से हम इनसे परे हट जाते हैं, हम इनसे परे हट जाते हैं. सो वी जस्ट नीड टू गो बैक टू यस, व्हाट वी नो इज द ट्रुथ. द कल्चर ऑफ आर कंट्री इज वेरी रिच. सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार भी जो अपने बच्चे के अंदर आपको डालना है वो है अपने देश की संस्कृति से प्यार. You know, that child has to grow up loving the country because they live in that country. And for that, they have to love the culture of the country because the culture of this country is extremely rich. Extremely rich. Aajkal hame bahut sare bachche aise milte hain, kya hamare desh mein to ye achha nahi hai, hamare desh mein to wo achha nahi hai, hum to ye desh chhod ke chale jayenge. This is not a good energy. Ye good energy nahi hoti hai. It's like saying हमारे घर में ये अच्छा नहीं है, हमारे घर में वो अच्छा नहीं है, हम तो घर छोड़ के चले जाएंगे. It's like saying that. It's like that. So our country is very rich, very very rich in its culture. So as a family, if we use that culture, if we live that culture, if we have faith in that culture, then even our children will growing up with that faith in that culture. तो उसके लिए हम जो भाषा बोलें वो अपनी संस्कृति की होनी चाहिए. हम किस तरह से कपड़े पहनते हैं वो हमारी संस्कृति के होने चाहिए. जो हम खाना खाते हैं वो हमारी संस्कृति का होना चाहिए. उस दिन मैंने किसी को कहा वड़ा पाव खाएंगे, कहते नहीं मैं बर्गर खाऊंगा. मैंने कहा भैया बच्चा बात तो एक ही है, उसमें भी ब्रेड है, उसके अंदर भी वड़ा, इसके अंदर भी है, लेकिन उनको वो बर्गर वर्ड ज्यादा अच्छा लगता है बजाय कि सेइंग यू नो वड़ा पाव. उस दिन द अदर डे समबडी सेइंग आजकल हमारी टाउनशिप में हैलोवीन पार्टी होती है. आई सेड हैलोवीन पार्टी क्या होती है? तो उन्होंने कहा बस ये छोटे छोटे बच्चे कोई विच बन रहा है, कोई पता नहीं कुछ और बन रहा है. कहते इतने भयानक लगते हैं जब वो तैयार हो जाते हैं, उस तरह से वो सारे कुछ पहनते हैं. विच इज ओके, इट्स गोइंग ऑन अराउंड देम, बट यू सी द शिफ्ट दैट वी आर क्रिएटिंग. वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग व्हाट इज आर कल्चर, व्हाट इज आर रिचनेस, बिकॉज दैट कल्चर हैड हाई वाइब्रेशनल कॉन्टेंट. उसको छोड़ के हम कुछ कुछ और चीजों के प्रभाव में जा रहे हैं. तो जो दूसरी जगहों से सीख रहे हैं उसको करें, लेकिन जो आपकी देश की संस्कृति है उसको पकड़ के रखें, क्योंकि वो देश की संस्कृति ही हमारी पर्सनालिटी बनाती है, उस पर हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है. सो दैट्स अगेन गोइंग टू गो फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चाइल्ड, फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चाइल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए एक इट्स अ कॉमन क्वेश्चन व्हिच हैज बीन कमिंग कि वी आर वेरी पॉजिटिव बट समटाइम्स आवर फैमिलीज एनवायरनमेंट इज नॉट दैट पॉजिटिव. इट इज वेरी डिफिकल्ट कि वो आसपास सब लोग अगर सब कुछ कर रहे हैं, खाने समय भी वो नहीं फोकस कर पा रहे, सब कुछ चल रहा है, तो मैं कैसे करूं? तो उसका इंपैक्ट मेरे बच्चे पे क्या होगा? नो, आपके बच्चे ये सब थॉट्स नहीं क्रिएट करना. आपका बच्चा इज गोइंग टू ग्रो अप इन एन एनवायरनमेंट नॉट ओनली ऑफ योर फैमिली बट ऑफ द वर्ल्ड, जहां लोग अलग अलग चीजें कर रहे होंगे. एंड वी ऑल आर लिविंग इन दैट एनवायरनमेंट, नो, वेयर डिफरेंट पीपल अराउंड अस आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स. वी कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, वी कैन नॉट चेंज पीपल, वी कैन नॉट इवन चेंज आवर फैमिली. सो डोंट पैनिक कि उनके कोई संस्कार जा रहे हैं और कुछ नहीं. नो, यू ओनली हैव टू टेक केयर ऑफ योर माइंड. बस आपको सिर्फ एक मन का ध्यान रखना है, अपने मन का ध्यान, और उसमें भी प्रेशर नहीं डालना है, जस्ट जितना ध्यान रख सके. जैसे आप लोग जब सीढ़ी उतर रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, यू टेक केयर ना, आप पहले की तरह थोड़ी भागते हुए चढ़ते हैं उतरते हैं जैसे पहले चढ़ते थे. यू टेक केयर कि मुझे धीरे धीरे एक स्टेप रखना है. दिस इज नॉट अ प्रेशर, इट्स ओनली केयर. It's only care, because if you miss a step, you're causing harm. So you take care. So like you take care of how you walk, what you eat, similarly, you're just taking care of what you think. There's no pressure in this. You're just taking care. And this simple lifestyle habits of emotional diet, of meditation, of affirmations, of vegetarian food, this is only going to help you to create those right thoughts. There is an app that we have created. It's called thinkright.me. Now it's free, the download. Usko download kijiye. The free part of it is the daily affirmations. 3 minute ki affirmation roz aati hai ek audio form mein aapke liye. Now it comes on at 5 o'clock on your phone. So 5 o'clock ke baad aap kabhi bhi usko sun lijiye. It is a vocabulary of high energy words. Every day is different. Every day is different. So that app will have 365 affirmations. Covering almost every aspect of our personality. अगर आप उसको सुन रहे हैं
इट्स नॉट इन बेबी लैंग्वेज, सो इट्स नॉट फॉर योर बेबी टू अंडरस्टैंड राइट नाउ, बट आप अगर उसको सुन रहे हैं तो वो इन्फ्लुएंस आपके बच्चे को कर ही रहा है, वो जा ही रहा है उसके ऊपर. सो एवरी मॉर्निंग देर इज अ 5 minute ऑडियो दैट वुड प्ले ऑन इट, एंड एवरी इवनिंग देर इज अ 5 minute ऑडियो अगेन विच इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट इज अबाउट दैट पर्सनैलिटी ट्रेट, हाउ इट्स इम्पोर्टेंट इन आर लाइफ. Okay, there's a question. That app is called thinkright.me. So which means think right me, not my environment. Mera environment zaruri nahi hai, think right karega hamesha. Mujhe think right karna. I have to be thinking right always. And it's possible. Very easy. It's like agar aapke aaspaas ke log kuch aur kha rahe hain, but aap to healthy khayenge. Isi tarah aapke aaspaas ke log alag jeevan jee rahe hain. Aap apna jeevan achche se jeejiye. Is samay have faith that your child has come with their destiny. Wo apni destiny leke aaye hain aapke lifestyle ko change karne ke liye. So it's really not your hard work. They are going to make it very easy for you. Wo bahut easy kar rahe hain aapke liye ye baat ki wo lekar aaye hain apni lifestyle aapke liye. हाँ जी दीदी, एक और चीज थी कि मोस्ट ऑफ देम आर आस्किंग नाउ वी हैव जस्ट डिलीवर्ड आवर बेबीज, आवर बेबीज आर वेरी स्मॉल, दे आर 4 months old, 5 months old, वी हैव नॉट डन दिस. It doesn't matter at all. You start now. Yeah. You start now. Till your child is 10 years old, आपका इन्फ्लुएंस तो बहुत इजी है उस बच्चे के ऊपर. फिर जब बच्चा अपनी इंटेलेक्ट यूज करना शुरू कर देता है ना, वो नॉट दिस इज नॉट राइट, दैट इज नॉट राइट, तब थोड़ा सा उनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है. लेकिन योर इन्फ्लुएंस ऑन योर चाइल्ड इज फॉर अ लाइफ टाइम, इज फॉर अ लाइफ टाइम. That is certain. But the initial years of the child's life, your influence is easier. It's easier. So don't think it's only in those 9 months. It is complete. A baby in arms is as good as a baby in the womb. It's as good as a baby in the womb. Uska impact utna hi hai. To bacche ke upar aapka impact bahut powerful hai. Aap aaj se karna shuru kar dijiye. Chahe aapka bachcha 2 mahine ka hai, chahe aapka bachcha 2 saal ka hai. तो भी, चाहे आपका बच्चा 10 साल का है तो भी, दीदी उससे भी बड़ा हो, उससे भी बड़ा हो, बिकॉज़ जब खुद पे शुरू किया, इट्स दे वर रियली बिग, आई मीन, बट इट्स पूरी घर की एनर्जी चेंज जाती है. सो हाउ ओल्ड वाज योर सन व्हेन यू स्टार्टेड डॉक्टर नितिका? 17 इयर्स ओल्ड. 17 है ना, तो पर 17 when I started Virtue Baby, he was 17, but when I joined spirituality, पहले तो दीदी अपने जर्नी पे वर्क किया ना, अपने पर, he was 12 years. When four, 5 years, I think I had to work अपने ऊपर, because then you want to do जो हम कर रहे हैं, वो करते भी नहीं है दीदी, it flows naturally. Absolutely. It just happens. Naturally. So that's the whole learning, I think, कि somebody has written how not to be affected by other people's expectations, especially our extended family who expect from parents, family. वही वाली है. See. Everybody will have expectations. क्यों नहीं होंगी? वो इस समय की दुनिया कहती है normal human संस्कार है expectations होना. और उनकी expectations किस basis पे होंगी? उनके संस्कारों के based पर. Everybody's expectations are based on their personality. As will be my संस्कार, so will be my expectation from people. So for example, if someone in your family is very good at taking their care of their physical health, they will expect you should also take care of their physical health. If somebody is not so interested, they'll say, kya subah subah uthke meditation kar rahi hai, kya subah subah uthke yoga kar rahi hai, so ja, itni jaldi uthne ki zarurat nahi hai. It all depends on what is their sanskar. And that's why every person is right, because they are talking from their perspective. Kisi ki expectation ko apne jeevan ka pressure nahi bana lena. Don't make it a pressure that I have to live up to each one's expectations. No, because you cannot. Try however hard, you cannot meet up to everyone's expectations. And today, if you meet up to their expectations also, tomorrow they will have new expectations, and day after tomorrow they will have new expectations. This is a part of life. Hame kya karna hai? Hame unki baat ko lena hai. उसमें जरूर हमारे लिए कुछ अच्छा समाया होगा. पहली बात ये विश्वास रखना है. और इस टाइम पे तो बहुत बहुत अच्छा समाया हुआ है, क्योंकि अब वो इस टाइम आपको जो बात कह रहे हैं वो आपके लिए नहीं कह रहे हैं, वो अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए कह रहे हैं. तो वो अपनी प्योरेस्ट इंटेंशन से बोल रहे हैं वो वाली बात. तो अपनी बात को, उनकी बात को सुनिए, उनकी बात को समझिए,
रिएक्ट नहीं कीजिए, रिएक्ट नहीं कीजिए, ये नहीं हो सकता, ये तो डोंट रिएक्ट, जस्ट लिसन एंड अब्सॉर्ब, टेक इट लाइक अ ब्लेसिंग फ्रॉम देम. आपके बड़ों की ब्लेसिंग मिल रही है, बहुत फॉर्चुनेट हैं वो फैमिलीज, एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट. एंड एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट इज द चाइल्ड हु हैज ग्रैंड पेरेंट्स एंड अंकल्स एंड आंटीज अराउंड देम. Extremely fortunate, they have come with this beautiful destiny that they have an extended family. Extended family is also a big power for emotional and mental health. Agar aap doctors se puchenge ki kyun aajkal samaj mein itni sari ye sab cheeze ho rahi hain, usme ek bahut bada karan jo nikal ke aata hai, our families are becoming smaller. हमारे परिवार बहुत छोटे होते जा रहे हैं. तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, और वो बच्चा तो बहुत ही भाग्यशाली है अगर उसके पास ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अंकल्स हैं, आंटीज हैं. सबके संस्कार अलग होंगे, सबके एक्सपेक्टेशंस अलग होंगे, लेकिन सबकी ब्लेसिंग सेम होंगी, सबकी ब्लेसिंग्स होंगी उस बेबी के लिए, सबकी पावर होगी, एंड दैट पावर एनर्जाइजेस दैट चाइल्ड. लेट योर पेरेंट्स, लेट योर इन-लॉज लुक आफ्टर द बेबी, लेट देम डू एवरीथिंग विच. If somebody doesn't have an extended family, they hire a professional to do all that for their child. Ki kaun mere bacche ka dhyan rakhega, kaun uski malish karega, kaun usko khana khilayega, kaun isko ye sab. If you have an extended family doing that for you, you are fortunate. Very fortunate. To uske liye choti choti baaton mein adjust karna, choti choti baaton ko chhod dena, choti choti baaton ko bhool jana, it's nothing. To kuch cheeze chhodni padti hain to get these big benefits in life, and those big benefits are the sanskars and the blessings of the elders around you. Lekin usko pressure na banaye, jitna kar sakte hain utna kariye, baki cheez aap unko samjhaiye ki aap jo bol rahe hain right hai, lekin ye mere se hi nahi ho raha abhi is time, mujhe thoda sa time dijiye, I will work on myself. Unki baat ko reject karte hain tab problem aati hai. So it's not about rejecting what they are saying. It's about telling them that right now I am not being able to do it. Give me some time. I will work on myself. Then you're creating respect. But if you say, nahin, ye baat hi galat hai, mujhe karni nahi hai, then ego clash hota hai. Wo nahin karna hai hume, and then everything is beautiful. They have expectations. You also have expectations. Everybody has from each other. But nobody is meeting each other's all expectations. So we don't create that as our agenda of life anyways. जी दीदी, दीदी आई थिंक टाइम भी हो रहा है, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं. वील बाद में इनको हम आंसर करेंगे फिर. श्योर, आप सब अपने क्वेश्चंस भेज दो, एंड वो सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे आपको. आप अपने क्वेश्चंस के साथ अपना ईमेल आईडी भेज दो. ओके, ऑल दोस क्वेश्चंस विल गेट आंसर्ड. एंड एनीवेज डोंट वरी, देयर इज नो एंड टू क्वेश्चंस. वंस यू स्टार्ट डूइंग द मेडिटेशन एंड स्टार्ट टेकिंग दोस स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स, आपके अपने आप सारे क्वेश्चंस आंसर होते जाएंगे, सारे अपने आप होते जाएंगे, बिकॉज द माइंड विल स्टार्ट क्रिएटिंग दैट पावर. सो थैंक यू सो मच, एंड डोंट गेट स्ट्रेस्ड बाय एनीथिंग दैट यू हर्ड टुडे कि ओहो ये तो सारा कुछ बहुत मुश्किल है. नहीं, ये सब कुछ बहुत ईजी है, और धीरे 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 वन स्टेप एट अ टाइम एक एक चीज को लेते जाए, एक एक चीज को शुरू करते जाए. And always remember, it's your child who's making this happen. They have come with this, and they have brought you here, not you have brought them here. They have brought you here. So you have a very, very special child coming into your family. Very, very special child who's coming into your families. Har parivar kehta hai ki hamare ghar jab ye bachcha aaya na to bhagya badal gaya. Kisi ka business achcha chalne lag gaya, kisi ke rishte jo bigde hue the wo rishte theek ho gaye. और कुछ कपल्स, कुछ फैमिलीज स्पिरिचुअलिटी की तरफ आते हैं जब उनके घर बच्चा आता है. सो यू आर दोज फॉर्चुनेट पेरेंट्स. सो आपका बच्चा आपको यहाँ लेकर आ रहा है, और दैट इज अ प्रूफ कि वो बच्चा बड़े प्योर संस्कारों के साथ आया है, जिसने ये चीज चूज की है, उन्होंने चूज की है. इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि एंजल आ रहा है, एंजल आ रहा है. इट्स नॉट जस्ट फॉर सेइंग इट, इट इज बिकॉज ओनली एन एंजल विल ब्रिंग यू टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म. Your child could have taken you towards something else also, depending on what are the tastes and the sanskars of the child. So your angel is beginning to bring you here. So also thank your angel for it. Aapke achhe karam aur sanskar hame bhi is journey par start kar rahe hain. Let's take a minute of silence. When we meditate, we do two things. We create a thought, and we also create a visual.
in the center of the forehead, just visualize yourself a tiny point of light. And visualize your angel in the womb and see in the forehead the soul, a tiny point of light. That's the energy. इसको बार बार देखना है, अपने को भी देखना है और एंजल को भी देखना है. In fact, the next time you go for an ultrasound, while your doctor is showing you the body in the womb, you also look at that point of light, which means visualize that point of light in the forehead of your baby there. Because that's where your attention will also go. I am a divine being. Keep looking at that light in the center of the forehead and say these thoughts to yourself within. I am a divine being. Purity is my personality. My every thought is clean, selfless. Every word I speak is a blessing. I am a divine being. Just above your head, visualize the energy of God. जो आपको इस टाइम स्क्रीन पे दिख रहा है, the supreme soul, Paramatma, point of light, energy. शांति के सागर, the ocean of peace. प्यार के सागर, the ocean of love. अब विजुअलाइज करें कि परमात्मा से शक्तियां आपको मिल रही हैं. So from God, to me the soul in the center of the forehead. जैसे सन की शक्तियां हमें मिलती हैं, सूर्य की किरणें हम पर पड़ती हैं, इसी तरह परमात्मा की शक्तियों की किरणें हम पर पड़ रही हैं. और मेरे अंदर भरती जा रही है. अब मुझसे निकलकर वो शक्तियां, ना विजुअलाइज द पावर, द वाइब्रेशंस गोइंग टू योर एंजल, द एंजल इन योर आर्म्स
or the angel in your womb. God's powerful vibrations for you and from you to your angel. Parmatma ka farishta hai wo. Powerful soul hai. Happy soul hai. Divine soul hai. Everything that you have shared today, you have heard today, you have understood today. Your child has also understood that today. But yet, before going to sleep, explain it all to your baby again today. Chote chote points mein, apne angel ko aaj sari baatein samjha dena raat ko sone se pehle. सोना कितने बजे होता है, उठना कितने बजे होता है, क्या सुनना है, क्या खाना है, सब कुछ आज फिर से रिवाइज करना उसके साथ, आज ही सोने से पहले करना, ताकि सोते हुए वो सारी चीजें उसके अंदर गहराई से चली जाएंगी. So sit with your angel for a few minutes and revise everything with them today. Thank you so much. Om Shanti. थैंक यू दीदी. यही वाली अफर्मेशन भी बना दी है जो आपने सबको करा भी थी. सो अब वो पोस्टर जब हम इनको भी दिखाते हैं, दे विल बी एबल टू डू इट इजीली. सो अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि आपसे सीख लिया, एक्सपीरियंस ले लिया. सो दे विल बी एबल टू क्रिएट इट. आपका बहुत बहुत थैंक्स दीदी. सो वी आर सो ग्रेटफुल कि यू कीप मेकिंग अस पावरफुल एंड कीप कनेक्टिंग अस टू आवर डिवाइन फादर. सो दैट ये जो सारी हां ये जो सारी अफर्मेशंस है ना डॉक्टर नितिका, so they will do that every morning and every night before going to sleep. But because there are a lot of thoughts in this, isme se 5-6 uthani hai and ek chota affirmation poster banana hai which we will stay before every meal and before every glass of water, kyunki wo bahut sari ho jayengi na baar baar khane aur peene se pehle. So one, this we will say before sleeping and every time in the morning, and a shorter version of that, just 5-6 thoughts we will say before every meal and before every glass of water, because it's very important to say it at that time also. We'll make both and we'll send it to everybody on the mail. Haan ji, so hum kal bhej denge fir. Yeah, thank you so much. Om Shanti. Thank you.